चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने क्लास 11 इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी नाम की किताब, सोशियोलॉजी की पहली किताब का चैप्टर 3 बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया। उसका नाम था अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। अब इस चैप्टर के भीतर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अमूमन हम उन्हें रनिंग कंटेंट के साथ ही डिलीवर करते जाते हैं। उसका कंटेंट एम्बेडेड रहता है रनिंग लेक्चर में। कुछ एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं जो लेक्चर के बाद हम डिस्कस करते हैं। इन्हें करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि लेक्चर जब आप करते हैं वो चैप्टर पे बेस्ड हैं। चैप्टर समझाने के लिए मैं अपने समग्र सभी सब्जेक्टों की नॉलेज उसमें डालता हूँ, आपको चीज़ें इंटीग्रेट करके देता हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें लाइवली बना देता हूँ, प्रैक्टिकल बना देता हूँ कि आप उन्हें अपने आसपास देखना शुरू कर दें। चैप्टर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी होती हैं। एक्टिविटीज़ का अर्थ यहाँ पर ये रहता है, उनका पर्पज़ ये रहता है कि वो आपको इस चैप्टर का ज्ञान धारण करा करके योग्य व्यक्ति बनाए समाज में चलने के लिए। समाज के अगर भिन्न अंगों को देखें तो क्या समस्याएं हैं वहाँ पर, इस चैप्टर का, इस किताब का उद्देश्य क्या रहा होगा सोचा जाए। UPSC के सिलेबस में जनरल स्टडीज़ पार्ट 1 में, यानी कि GS पेपर 1 में, अगर सोसाइटी शब्द मेंशन है एक सिलेबस के तौर पे, उसका पर्पस भी क्या ही रहा होगा। पर्पस यही रहा होगा कि आज बड़े पैमाने पर आप कई तरह की सामाजिक समस्याओं से ग्रसित हैं। समाज एक आधार होता है किसी भी व्यवस्था का। अगर राजनीति आप कर रहे हैं तो वह एक व्यवस्था है। राजनीति को निभाने के लिए कई तरह की राजनीतिक संस्थाएं हैं। आपके सामने संसद है, आपके सामने एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यकारिणी है, लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और भी बहुत सी प्रशासनिक संस्थाएं काम करती हैं। इन सभी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं या उन पॉलिसीज़ को आपके ऊपर इन्फोर्स किया जा रहा है, ये कितने एक प्रोडक्टिव सेंस में एग्जीक्यूट होती हैं या फॉर्म होती हैं पॉलिसीज़, ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी कितनी अवेकंड है, कितनी एनलाइटेंड है। सोसाइटी को सोसाइटी का मीनिंग भी पता है क्या, समाज में एक दूसरे से लोगों का सरोकार कितना है, समाज आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भरता को कितना रिकॉग्नाइज करता है। व्यापारी को यह समझ आना आवश्यक है कि किसान भी होते हैं, और किसान को यह समझ आना आवश्यक है कि व्यापारी भी हैं, और इन दोनों को यह समझ आना ज़रूरी है कि हमारी एग्जिस्टेंस का एक कारण यह भी है कि एक दूसरा वर्ग भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम इतनी गहराई में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इतना घना ताना बाना बन जाता है, तो फिर ये लाजमी सी बात है कि बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, क्योंकि बहुत सी सहमति और असहमतियां बनती हैं। ऐसे में उन समस्याओं को दूर करना ज़रूरी होता है। समाज में विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, कई संप्रदाय हैं, कई तरह के मत भी हैं, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, मतों के आधार पर, कई तरह से आप समाज में एक दूसरे से भिन्न हैं। ये हमारे देश की ही नहीं, पूरे विश्व में मानव जाति की विविधता है। यह विविधता बहुत ही आवश्यक है हमें आगे बढ़ने के लिए, चलाए रखने के लिए। अनेक मतों का समावेश करके ही हमें एक सही मत का चयन करना होता है, और वह एक सही मत अपने आप में कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। वह सही मत हमेशा सही बनता ही जाता है अनेक मतों से मिल करके। उस मत का सही होना ये नहीं बताता कि बाकी के मत गलत थे, और बाकी के मत यदि यह सिद्ध कर रहे हैं कि यह एक मत सही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन मतों को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इन सभी ओपिनियंस के, इन सभी थॉट्स के एग्जिस्टेंस से ही हम ये कंक्लूड कर पाते हैं लॉजिकली कि मोस्ट रेलेवेंट थॉट और ओपिनियन क्या होगा। इसके लिए सबका कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, विरोधाभास होना ज़रूरी है, ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना ऑपोजिशन के आप रेक्टिफिकेशन के रास्ते पर नहीं जा सकते। आपने जो निर्मित किया, आपने जो डेवलप किया, वह एक तरह से आपकी सोच पर आधारित था। आपकी सोच कितनी सामाजिक तौर पर सरोकारी है, यह निर्भर करेगा कि आपका अनुभव कितना रहा, आपका लोगों के बीच विचरण कितना रहा, आपने कितने अनुसंधान
और कितने ज्ञान के स्रोतों को समझा, पढ़ा, जांचा अपने विचार को, और फिर उसे आपने लोगों के बीच रखा। लोगों के बीच रखने मात्र तक की प्रक्रिया ही नहीं है कि आपने अपनी बात को सिद्ध कर दिया। लोगों के बीच रख के ये जानना होता है कि विरोध कितने, उन विरोधों के तर्क को सुनना होता, उन सभी तर्कों को सुनने के बाद, समझने के बाद, अपने विचार को उनकी कसौटी पर खरा उतार देने के बाद ही एक विचार जनकल्याणकारी हो सकता है, समाज उसे स्वीकार करेगा। इस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ता है, तब हम इतने विविध समाज में एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रह पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं रह पाएंगे। कॉमन ब्रदरहुड का कंसेप्ट अचीव करना इतना ईजी नहीं है, वुमेन का इमेंसिपेशन करना इतना ईजी नहीं है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी इतनी ईजी नहीं है, एक नेशन को स्ट्रेंथन करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि डिविजिव फोर्सेज ऑलवेज वर्किंग रहती हैं बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि वह कहीं बाहर से उभरती नहीं है, वह कहीं बाहर से आती नहीं है, विविधता का ही वह अंग जो कि पूर्ण रूप से अवेकेंड और एनलाइटेंड नहीं है, जिसमें जनहित के गुण निहित नहीं है, विविधता का वही अंग उसके लिए श्राप भी बन जाता है, वही उसके बीच में भेद पैदा करने का आधार बन जाता है, वही एक डिविसिव फोर्स भी है। जैसे आपके शरीर के भीतर ही कैंसर का निर्माण होता है, कैंसर की कोशिकाएं बन जाती हैं और वो बहुत विकसित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कहीं बाहर से आने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी विघटन शक्ति को, किसी भी डिवाइड करने वाली पावर को कहीं बाहर से आने की आवश्यकता नहीं, वो आपके भीतर से ही, आपकी विविधता से ही जन्म ले जाएगी। इन्हें सदैव सप्रेस किए रखने के लिए और शरीर में कैंसर जैसी चीज़ें ना बने उसके लिए, जैसे हमें लगातार प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स लेने पड़ते हैं, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, हमें स्वयं को तंदुरुस्त रखना पड़ता है, हमें गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना होता है, ठीक इसी तरह से समाज की यह विविधता के वह लक्षण जो कि इसे विभाजित कर सकते हैं, उन लक्षणों को सदैव दबाए रखना होता है, और उसे सदैव दबाए रखने के लिए समाज के सरोकार को एक दूसरे के साथ जोड़े रखना होता है, कि हमारा होना किसी के लिए सरोकारी होना ज़रूरी भी है, और ऐसा करने के लिए हमेशा चिंतन मंथन करते रहना पड़ता है, समाज की अनेक समस्याओं पर विचार करते रहना पड़ता है, समाज को कैसे एक रूप में आगे ले जाया जाए यह विचार करना ज़रूरी है, वरना हम जो यहाँ पर बैठ करके काम कर पा रहे हैं इस क्लास में, यह नहीं हो पाता। हम जब यहाँ बैठे हैं, हम अनेक जातियों में भी बटे हैं, हमारे बीच एक चीज़ है जो हमें कॉमन बनाती है, वो है स्टूडेंट। हम सब स्टूडेंट हैं, ये बात सही है, मैं, आप, हम सब स्टूडेंट हैं, मैं NCERT का स्टूडेंट हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप NCERT के भी स्टूडेंट हैं, मैं उनसे पढ़ रहा हूँ, इंटरनेट के बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लेक्चरर्स, मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ, उनको सुनता हूँ, उन्हें भी पढ़ता हूँ, आप मुझे सुनते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, हम एक तरह से सभी छात्र हैं इस समय, हम सभी शिष्य हैं, तो एक तरह से ये चीज़ हमें जोड़े रखती है कि हम स्टूडेंट हैं, लेकिन दूसरी ओर हम अपनी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, हम इस क्लास में बैठी हुई अनेक जातियाँ भी तो हैं, हम इस क्लास में बैठे अनेक धर्म भी तो हैं, हम इस क्लास में बैठे हुए अनेक मत भी तो हैं, हम कई क्षेत्रों से भी तो आते हैं, हम इस क्लास में बैठे हुए कई गुटों से, कई ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर बैठे हुए बहुत से लोग किसान भी होंगे, यहाँ पर बैठे हुए बहुत से लोग उनकी संतान भी होंगी, जो लोग इस समय की मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं या मंत्री हैं या फिर अफसर हैं। इस रूप में हम सब यहाँ पर केवल स्टूडेंट मात्र की एक यूनिटी के दम पर बैठे क्यों बैठ पाए? हम ऊपर उठे हैं अपनी पर्सनल कंसिडरेशन से, हमें ऊपर उठाया गया है, हमने यहाँ पर यह समझा है एक दूसरे के साथ बैठने से पहले यह संकल्प लिया है कि हमें कुछ अचीव करना है और वो अचीवमेंट एक दूसरे के साथ मिल करके करनी है, क्योंकि अंततः हमें समाज के रूप में ही जीना है। नरसंहार किसी क्षेत्र में भी नहीं हो सकता, यहाँ पर यदि आप किसी के विचारों का अंत कर रहे हैं यह भी सही नहीं, यह भी दमन है। यदि शरीर रूप से, ज्ञान रूप से, धन के रूप में, शक्तियों के रूप में कोई शक्तिशाली है यदि,
और ऐसे में वो अपने से कमज़ोर या अपने से नीचे जो भी कोई है उसका दमन करता है, एक तरह से सामंतवादी सोच है। ऐसा सामंतवाद कभी भी स्वीकार नहीं होना चाहिए, ऐसा फ्यूडलिज्म कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इसी सामंतवादी सोच को मारने के लिए हमें सामंतवाद को समझना होता है, क्योंकि यह सोच हमारे बीच सदैव रहती है। हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं सदैव अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अंततः हम जब इस कंसेप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं अब हमने इस प्रकृति में, अब हमने इस सृष्टि में यानी कि समाज में, इस सभ्यता में एक कंसेप्ट को विधि सम्मत बता दिया, लेजिटिमेट बता दिया, और वो क्या है कि शक्तियों का उपयोग कर सकते हो अपनी विल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वहीं हम यह भूल गए कि अब इस कंसेप्ट का हमारे विरुद्ध उपयोग होगा, क्योंकि यह सत्य है कि हमसे भी शक्तिशाली कोई होगा। पौराणिक कथाओं में जब भी आप जाएंगे वहाँ यही दिखाया गया है कि वरदान प्राप्त होकर के आप शक्तिशाली होकर के अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, ठीक उसी समय आपसे भी शक्तिशाली प्रकट हो जाता है, क्योंकि वह यह कंसेप्ट अच्छा नहीं है। शक्तियों का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए, आप अपनी विल को एग्जीक्यूट करें इसलिए नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी सत्य है कि अपनी विल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पावर चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सत्य यह होता है कि पावर एक अथॉरिटी से आती है, और आपको अथॉरिटी किसी तरीके से बनना है, या तो आप लोगों के बीच स्वीकार किए गए हैं, या तो आप उनके द्वारा राजा चुने गए हैं, या तो आप उनके तौर पर शासक चुने गए हैं, मंत्री चुने गए हैं, अफसर बनाए गए हैं किसी विधि विधान से, या जो भी है आपका अभिषेक हुआ है, आपका राज्याभिषेक हुआ है, राज्य ने आपका अभिषेक किया है, आपको आशीर्वाद दिया है, आप गद्दी पर बैठ सकते हैं, तो आप शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, और वह भी राज्य हित में राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए। यह बात सही है कि नहीं? तो इसी तरह से हम इस क्लास में बैठे हैं, हर कोई प्रयास करेगा अपने पैसों की, अपनी शक्तियों की, अपनी उच्च जाति की, कई तरह की अभिव्यक्तियाँ रखना चाहेगा, और स्वयं को दूसरों से समृद्ध और ऊपर दिखाना चाहेगा, दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहेगा। इसमें वह यह भी कर सकता है कि दूसरों का दमन भी करते। इस तरह से हम एक क्लास के रूप में कभी भी बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर हमसे भी बड़ा दमनकारी कोई और भी होगा। हम इन चीज़ों को एक्नॉलेज ना करें, हम इन चीज़ों को पनपने ना दें, यह एक प्रयास हमेशा समाज में रहना चाहिए, जो प्रयास हम करते हैं प्रतिदिन यहाँ पर क्लास में, एक से एक कंसेप्ट के वाया, एक से एक लेक्चर के वाया, एक से एक थॉट के वाया, ये सीखने का कि मैं यदि हूँ तो क्यों हूँ, मेरे होने का अर्थ यदि है तो वह क्या अर्थ है, मेरी योग्यता क्या है, मैं समाज में क्या योगदान दे सकता हूँ, मेरी उत्पत्ति का कारण भी तो कोई होगा, बायोलॉजिकली तो मैं एक प्रोसेस है जिसके वाया ये प्रूव हुआ कि ऐसे जन्म होता है, लेकिन ये कहाँ प्रूव हो पाया बायोलॉजिकली कि क्यों जन्म होता है, यह भी तो बड़ी बात है, इस पर भी तो सवाल करना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न सब्जेक्ट्स के माध्यम से आपको ये सब पढ़ाया जाता है, जहाँ बायोलॉजी के चैप्टर के माध्यम से आप ये सीखते हैं कि ऐसे जन्म होता है, यह प्रक्रिया है, वहीं फिलॉसफी आपको मजबूर करती है सोचने पर कि क्यों जन्म होता है, क्या कारण है। बायोलॉजी एक समय तक यह कहती है कि यह जरूरी है कि जन्म हो, जनसंख्या हो, क्योंकि आपकी जनसंख्या होगी तो बाकी जीवों के मुकाबले आप एग्जिस्ट कर पाएंगे, वरना आपको वह खत्म कर जाएंगे। लेकिन जनसंख्या अधिक होने हो गई है फिर भी जन्म हो रहे हैं और कानून बना करके सरकारें इसे खत्म नहीं कर रही हैं, तो विचार करना चाहिए कि अब जनसंख्या क्यों, अब बच्चे क्यों। फिलॉसफी इस पर विचार कराती है कि जन्म क्यों है, हमें वह भी समझना है, समाज में रहने के लिए वह भी समझना है। आई बात समझ में? मैंने उस दिन यह बात कही थी और लेक्चर इसी बात पे ख़त्म किया था कि आपके घर के वॉशरूम में पाइप सप्लाई में समस्या आ चुकी है, यकीनन उसे इंजीनियर ही करेक्ट करेगा, यकीनन जो जॉइंट्स हैं आपके पाइप के, वो जो गांठें हैं उनमें समस्या आ चुकी है, लेकिन उसी वॉशरूम के साथ अटैच्ड उस बेडरूम में जो दाम्पत्य जीवन बिता रहा है, एक जोड़ा रहता है, एक दंपत्य रहते हैं, उनके संबंधों में गांठ आ चुकी है, उनके संबंधों के गठबंधन में समस्या आ चुकी है, इसे कौन सा इंजीनियर सुधारेगा। ऐसे भी लोगों की हमें आवश्यकता है, इसलिए विचार के इन मुद्दों पर भी, समाज के इन मुद्दों पर भी हमें विचार करना है। हमें मैरिज का उद्देश्य समझना है,
हमें मैरिज के रूप में एक संस्था को समझना है, हमें परिवार रूप की संस्था को और उसके उद्देश्य को समझना है, हमें संबंधों का आधार उनके उद्देश्यों को समझना है। जब यह हम समझेंगे तो हम इन्हें सम्मान भी देंगे, हम इनकी योग्यताओं को और बढ़ा पाएंगे और हम इन्हें समाज के प्रति योगदानी बना पाएंगे कि यह अपना योगदान दे पाए। विवाह बहुत से योगदान दे सकता है, यह विचार करने पर है कि हम विचार करें। एक बड़ा योगदान मैं आपको समझा देता हूँ। आपका विवाह हुआ है और अब आपकी संतान है, तो आपका मतलब एक परिवार है। एकमात्र परिवार हो जाने से ही आपके चरित्र में अंतर आ जाता है कि आप कोई भी क्राइम करने से पहले डर जाते हैं कि मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। देखिए, सोसाइटी को हमने नॉन क्रिमिनल बना दिया सिंपली एक सोशल कंसेप्ट के वाया कि मैरिजेज आर देयर। अब विचार करें कि विवाह नहीं है और आपके विवाह नहीं हो रहे हैं तो परिवार ही नहीं, तो परिवार नहीं है तो फिर गाना भी है कि टोर नाल छड़ा है, लुखा है या कुछ भी है, जगह जगह लड़ता फिरता है, गाली गलौज करता फिरता है, तो समाज के लोग कहते भी हैं इसको कंट्रोल करना चाहते तो इसकी शादी करा दो, इसको किसी के साथ बांध दो तब ये सेट होगा। आई बात समझ में? विवाह से पहले गुंडे हैं, विवाह के बाद आपने देखा होगा धीरे धीरे वो या तो कोई बड़ी होटल चेन हो जाती है या कोई पॉलिटिशियन भी हो जाता है या कोई भी हो जाता है, उसके पहले पहले तक गुंडे रहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा गुंडा रोता भी है विवाह हो जाने के बाद, वो रोता है कि अब मुझे भी मारा जाएगा, पहले मैंने मारा है अब मुझे भी मारा जाएगा, पत्नी भी रो रही है, बच्चा भी अनाथ हो जाता है। देखा ना आपने, दिखाया गया है, समझाया गया है। हर गुंडा कमज़ोर हो जाता है आफ्टर मैरिज, आपने देखा होगा। तो आप कहेंगे कि मैरिज कमजोरी का आधार है, फिर मैरिजेज नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैरिजेज कमजोरी का आधार नहीं है, तुम्हारा मार्ग गलत था, तुम्हारा मार्ग गलत था और विवाह होने के बाद तुम्हें उस मार्ग की कमियां नज़र आईं कि अब तुम जीना यह जीवन चाहते हो लेकिन अब तुम जी नहीं सकते हो, इसलिए तुम विवश हो। वह रुदन, वह रोना उस विवशता से आ रहा है कि मैं करूँ क्या, इस लाइन से बाहर नहीं अब निकल सकता, जो मैंने समाज में रचना की है वही रचना अब मुझे खाए जा रही है, जबकि मैं जीना चाहता हूँ, मैं एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ पार्क में, लॉन में, ग्राउंड में, आपके साथ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन यह हो क्यों नहीं पा रहा। तो यहाँ से समाज को उदाहरण मिलता है, समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत होता है कि देखो उसकी ओर देखो, जीना भी चाहता था, जीना भी चाहती थी। अब तुम मुझे हमेशा कहोगे कि अक्सर बातों में, सवालों में जब ज़रूरत है तो हम महिलाओं का नाम लेते हैं, लेकिन आज देखिए मैं चाहता 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 कह रहा हूँ, मैं तो महिलाओं को चिन्हित नहीं कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो अब लड़के गुस्सा कर लेंगे कि लड़कियाँ गुंडी नहीं होती, लड़के गुंडे होते हैं। शिक्षक को यह चिंता नहीं रहती क्योंकि उसका उद्देश्य बड़ा निर्मल रहता है, यह चिंता उनको रहती जिनके एजेंडे होते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अब उदाहरण बन गया वो समाज के लिए, लोग कहेंगे देखो पिंटू, उसको देखो क्या किया उसने अपने जीवन में, अब जीना भी चाहता था, अब रहना चाहता था, लेकिन अंततः क्या हुआ, ख़त्म हो गया, तुम यही चाहते हो। फिर वो पिंटू विचार करेगा और कहता ये अंकल, कहते ये उसका पक्का दोस्त था, सभी दोनों इकट्ठे थे, वो इसी के पास इसके गले लग के रोया भी, ये पढ़ा लिखा इंस्पेक्टर हो गया और आज देखो सुबह अखबार पढ़ता है सफ़ेद रंग की बुनी हुई कुर्सी पर बैठ करके, चाय पकौड़े भी खाता है सावन के महीने में और समाज को कल्याणकारी दिशा में ले जा रहा है। तो आपने बहुत पहले एक मूवी हुआ करती है संजय दत्त की वास्तव, वो देखी भी होगी। दो ही मित्र हैं, एक संजय दत्त, एक उसका और मित्र है, एक इंस्पेक्टर बना धीरे धीरे। इस मूवी के सीक्वल हथियार नाम की एक और मूवी थी, उसमें तो वो बहुत बड़ी पोस्ट पर चला गया है, DGP पता नहीं क्या बन गया, और संजय दत्त का बेटा उसमें भी संजय दत्त ही बना है, तो वो भी गुंडा ही बना, बॉक्सर भाई। तो उसमें दिखाया गया है एक का रास्ता एक है, ये सत्य है कि हालात हुए, परिस्थितियाँ हुई, इसकी वजह से रास्ता इसने वह चुना, लेकिन वहाँ कहानी ये बताती है कि वही चौल, वही माहौल, वही कमरा, वही हालात उसके दोस्त के लिए भी था। देखो हालात रहते हैं, हमें चयन करना होता, बात को समझिए। हालात हैं, रावण गुस्से में है, उसकी बहन है, और किसी तरह से वो, हम करेंगे हमारे एथिक्स के लेक्चर में चर्चा कि उसकी बहन का नाक जो है वो कट चुका है, वह दुखी है, आहत है, और वो अब इक्वल इंसल्ट देना चाहता है राम को भी, तो वह उनकी पत्नी का हरण करता। देखिए बहन का नाक काटा गया है तो कदम उठाया गया है कि पत्नी का हरण कर लिया जाए। अब इतने दिन से पत्नी का हरण हो चुका है लेकिन पुरुषार्थ जो राम का है वो डिगता नहीं, वो हिलता नहीं,
वह ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे कि वह बदले में रावण की पत्नी मंदोदरी को भी इक्वली ह्यूमिलिएट करे। वरना जिस हनुमान में इतनी समर्था है कि वो जा करके अशोक वाटिका में सीता से मिल सकते हैं, वह जा करके पूरी लंका को जला सकते हैं, कोई समस्या नहीं यदि उन्हें ऐसे आदेश दिए जाते कि उस महल से भी एक स्त्री को उठा लाओ। लेकिन यह आपको सिखाया समझाया जा रहा है इस कथा के माध्यम से कि ऐसा नहीं होता, रेसिप्रोसिटी ये नहीं होती, टिट फॉर टैट का कल्चर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अब उनकी भी पत्नी को इस तरह से आप इंसल्ट करें क्योंकि वो भागीदार नहीं है इसकी, तो उनके साथ ऐसा क्यों करना। तो देखिए हालात सबके लिए होते हैं, हमने मार्ग क्या चुना है ये हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, और व्यक्तित्व बनाने का जिम्मा शिक्षकों पर है, परिवार पर है, समाज पर है। मैं नहीं बन सकता चिंता के, मंथन के, विचारों के अलावा। और वही हम रोज करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से, इन लेक्चरों के माध्यम से, कि जब तुम पर वो परिस्थिति आए, या तुमसे जुड़े लोगों पर परिस्थिति आए, या तुम्हारे इलाके के लोगों पर वो परिस्थितियाँ आए, तो तुम निर्णय कैसा लो, यह बात को तुम्हें समझना है। अपनी जाति, अपने धर्म, अपने क्षेत्र के लोगों के दबाव में आकर के, चाहे जनसंख्या सामने 2 करोड़ 10 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन उनके दबाव में आकर के यदि तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम्हारे संरक्षण में एक निर्दोष आया है, उसका धर्म इस धर्म से विपरीत है, उसकी जाति इस जाति से विपरीत हो सकती है, उसके विचार इस विचार इनके विचारों से विपरीत है, लेकिन निर्दोष है और वह इसे मार देना चाहते हैं, तो वहां पर यदि तुम में व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व यही है कि मरना यदि तय है कि वो मरेगा ही, और वह तुम्हारे संरक्षण में आया है, और तुम्हारी ही धर्म जाति, तुम्हारे विचार के लोग उसे मार देना चाहते हैं, तो यदि मरना तय है तो वह तुम्हारे बाद ही मरना चाहिए। संरक्षण इसी को कहते हैं, सत्य यही, व्यक्तित्व यही है। अब इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना पुरुषार्थ, आप कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करें। तो जो चीजें आपको इम्पॉसिबल सी नजर आ रही हैं, तो क्या हम उसके लिए प्रयास भी ना करें, क्या हम उस पर विचार भी ना करें? प्रयास और विचार करना जरूरी है ना। दिन भर में 12 गिलास पानी पीने हैं, शुरुआत तो किसी एक गिलास के एक घूंट से ही करोगे। पूरा देश साफ करना है, शुरुआत तो अपने घर के द्वारे से ही करोगे। कोई बात नहीं, 10 करोड़ लोगों के सामने नहीं, 2 करोड़ लोगों के सामने नहीं, 10 लोगों के सामने नहीं, परिवार के 4 सदस्यों में ही, अपनी माता पिता भाई बहन के बीच में ही ये चरित्र अपनाना शुरू कर दो। माता का साथ इस आधार पर ना दो कि वह माता है, माता का साथ इस आधार पर निजी रूप में वह आपकी माता है, यह सत्य है। आपकी जान, आपकी धन संपदा सब उन पर न्यौछावर है, लेकिन व्यक्तित्व का सत्य यह कहता है कि जब वह स्वयं अधर्म पर हैं तो आप उनका साथ नहीं दे सकते। चाहे आपके सामने कोई ऐसा ही सदस्य है जिसका आपसे रक्त का या किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं, लेकिन यदि वह अधर्म पर खड़ी हैं, आपको उन्हें गलत कहना है। आपके प्रियजन यदि अधर्म पर खड़े हैं, आपको गलत कहना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हमें स्वयं ही सही मार्ग का चयन करना नहीं आ रहा, हम किसी का धर्म अधर्म कहां से तय करेंगे, कहां से निश्चित करेंगे? और क्या होता है धर्म, किसे कहते हैं अधर्म, यह कौन बताएगा? धर्म अधर्म जो प्रतिपल घटित होते रहते हैं, प्रतिपल। जैसे धर्म के लिए कोई बहुत बड़े ग्रंथ लेकर के बैठ करके धर्म सीखो, यह अनिवार्य नहीं, और यह हो सकता है कि सार्थक तरीका भी नहीं। इस क्षण यदि सामने वाले की तर्कसंगत मांग यहां पर यह है, फिर तर्कसंगत पे भी बात आएगी कि उसे जल की आवश्यकता है, उसे जल देना धर्म है, उसे जल ना देना अधर्म है, उसे जल देना धर्म है, उसे जल ना देना, जल ना उपलब्ध कराना, यह अधर्म है। बहुत सूक्ष्म तरीकों से ही तुम सीखते हो कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, लेकिन इसके लिए अपने निज को पीछे रखना पड़ता है, तभी यह विचार हो पाता है। आप अपने निजी को पीछे रख करके ये विचार कर सकें, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों की ओर बढ़ सकें। होटल में एंटर होते वक्त वो जो दरबान जिसने आपके लिए दरवाज़ा खोला, उसे फॉर्मेलिटी नहीं, लेकिन हृदय से यदि उसका शीश आपकी ओर झुक रहा है, तो आप हृदय से बदले में उसको भी सम्मान के साथ शीश झुका करके नमन करते हुए अंदर जाएं, यह व्यक्तित्व है। ना कोई CCTV वहां देख रहा है, ना आपको वो कोई पोजीशन दे सकता है,
ना ही किसी तरह से आपको उससे कोई और लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आप यह समझ भी नहीं पाएंगे कि ऐसा करने से एक तो यह धीरे धीरे आपसे स्वतः ही होने लगेगा, यानी कि आप भीतर से निर्मल हो रहे हैं और यही शक्ति का आधार है। जब आप निर्मलता को प्राप्त करते हैं तो शक्ति का संचार होता है। क्यों? क्योंकि आपकी निज की आवश्यकताएं बहुत कम होती जाती हैं, और जब आपकी आवश्यकताएं कम होती जाती हैं आपको कोई दुर्बल नहीं बना सकता, क्योंकि आपकी निर्भरताएं कम होती जाती हैं। फिर जो भी आप करेंगे वो परोपकार की भावना से करेंगे, यह बड़ी चीज़ है। और जब हमारी निर्भरताएं कम होती जाती हैं हम शक्तिशाली होते जाते हैं, और यह शक्ति इतनी खूबसूरत होती है कि जब हमारी निर्भरताएं और आवश्यकताएं ही नहीं तो शक्ति का उपयोग भी क्यों करेंगे। तो शक्ति का उपयोग सत्य को संरक्षण देने के लिए ही होता है। प्रतिदिन प्रयास करने से ही ऐसा चरित्र आता है, ऐसा व्यक्तित्व आता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मेरा अब तक का इतिहास गवाह है कि मैंने ऐसे ही पढ़ाया। मेरा उद्देश्य यही रहा है। 10x12 के इस कमरे में हम खड़े हैं, ऑलमोस्ट एक्टिवली अगर देखें तो 9 साल से इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज 12 साल हो गए। बहुत उन ऊंचाइयों पे जा सकते थे जो समाज के लिए आज की डेट में ऊंचाइयां हैं, लेकिन आज भी हम आप तक ही सीमित हैं, क्योंकि आप उन ऊंचाइयों से बहुत परे हैं। कारण, समाज, भविष्य, राष्ट्र और मानवता आप ही से तो बनने वाली हैं। मेरा उद्देश्य आप ही तो थे, आप ही तो हैं, आप ही तो रहने चाहिए, और मैं आपके लिए हर रोज एक स्तर उच्च होकर के आता हूँ आपको उत्कृष्ट बनाने के लिए। तो मैं तो बहुत ऊंचा जा रहा हूँ अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो। आपको ऊंचा ले जाने के लिए हमें यह करना होता। समझ में आया? सिविल सर्विसेज का सिलेबस भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है, नथिंग एल्स। मेरे इस दी हुए भाषण से हो सकता है एक भी MCQ ना आए, यह सत्य है, लेकिन मैं यह गारंटी से कह सकता हूँ कि लखीमपुर खीरी में इस समय जो भी प्रकरण चल रहा है किसी MCQ से सॉल्व नहीं होगा, किसी MCQ के द्वारा वो सॉल्व नहीं होगा। उसे सॉल्व करने के लिए एक ऐसा राजनेता चाहिए था जिसमें चरित्र और व्यक्तित्व हो, ऐसे अफसर चाहिए थे जिनमें यह हो, और मुझे लगता है कि मैं इसके लिए ही तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अंततः एग्जाम रूपी उस चरण के माध्यम से तुम यही सिद्ध करोगे कि तुम समाज के योग्य बन गए हो, तो मैं तुम्हें योग्यता स्थापित कर रहा हूँ। MCQ आए ना आए मुझे अंतर नहीं पड़ता, योग्यता आनी बड़ी बात है। आई बात समझ में? तो ये बड़ा है। मुझे लगता है कि द्रोण ने कभी भी अर्जुन को उस पक्षी के आंखों पे तीर मारना सिखा करके फिर ये योग्यता चेक नहीं की होगी कि चलो आंख पे तीर मार के दिखाओ। हर तरह से धनुर्विद्या सिखाने के बाद तो द्रोण ने पूछा कि क्या दिखता है, तो अर्जुन ने कहा मुझे यह दिखता है, मैं सिखाऊंगा तुम क्या ग्रहण करते हो, यह भी तुम पर है, यह भी तुम पर है, श्रेष्ठ बनोगे या नहीं यह तुम पर है। शुद्ध विचार हैं, श्रेष्ठ विचार हैं, तुम उनका पालन करते हो कि नहीं तो तुम पर है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो हम यदि खुद में यह मान करके बैठे हैं कि हमारा व्यक्तित्व तो उतना जा ही नहीं सकता, तुम्हारा उद्धार कोई करेगा ही नहीं, और यदि हम यह मान करके बैठे हैं कि हमारे यहाँ होने का कोई कारण है, हम जीवन में हैं, इसका लिटरली कोई तो पर्पस होगा, बिल्कुल, आप उसी दिन से अपने उद्धार के मार्ग पर हो। और यह व्यक्ति कोई बहुत बड़े ऐसे नहीं होते, हमारी इमेजिनेशन में ऑलवेज एक गलत इमेजिनेशन रहती है कि इनके आसपास बादल हैं, आसपास एक रोशनी का ऑरा है। तुम लिटरली गोलगप्पे खा सकते हो, शाम को खाओ, मजे लो, मोटरसाइकिल चला सकते हो, अटखेलियाँ कर सकते हो, घर वालों के साथ हंसी मजाक करो, टीवी देखो, मजे लो। व्यक्तित्व बेहतर करने का अर्थ यह नहीं है कि अब आज से गोलगप्पे नहीं खाने, अब आज से केक खाना छोड़ देना है, बर्थडे नहीं मनाना। किसने कहा? गोलगप्पे खाओ, लेकिन इस बात का विचार रख करके गोलगप्पे रूपी इंद्रियों के अधीन नहीं हो जाना। तो जबान का चस्का अधिक मत पालो, इतने 10-15-20 मत खा लो, पैसे की शक्ति के आधार पर ऐसी विल मत एग्जीक्यूट कर लेना कि पेट खराब करके बैठ जाओ, क्योंकि शरीर का तंत्र बिगड़ा तो समाज का तंत्र बिगड़ जाएगा। स्वाद के रूप में 3 से 4 खा लो, बहुत ज्यादा आग है 5 खा लो,
लेकिन इस तरह से जब तुम अपनी लालसा प्रकट कर रहे हो कि 10-12 और दो कितना ही पैसा लग जाएगा, फिर तुम भक्षण कर रहे हो स्वयं का, ये अच्छा नहीं। वरदान मिला है तो भस्मासुर मत बनो, योगी बनो। एक योगी की भावना से गोलगप्पे जितने खाने खा लो, लेकिन भावना योगी की होनी चाहिए। हर रोज आग ना पैदा हो गोलगप्पे खाने की, इसका विचार करना है। और गोलगप्पे एक समय के बाद कोई अर्थ ही नहीं रखते आपके लिए, इस स्तर तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन तब तक खाओ कोई बात नहीं। किसी चीज से दूर रहने के लिए उससे दूर रहने की जिद नहीं करनी होती, किसी चीज से दूर रहने के लिए कभी भी उससे दूर रहने की जिद नहीं होती। आई बात समझ में? स्वयं का विकास करते रहो, उस चीज के पास होने के कारण तुम्हारा खुद का लाभ नहीं होगा, फिर तुम उससे दूर होगी, पास ही अंतर ही नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? बशर्ते किसी को उस चीज से दूर करना कार्य इस बात पे करना चाहिए कि उसे उसकी उपयोगिता समझाई जाए। इंद्रियां स्वयं कंट्रोल होने लगेंगी, फिर वो उसके दूर है या पास ही है मायने ही नहीं रहेगा। और जब भी पास होगा भी या होगी भी, तो फिर किसी ना किसी उसी के विकास या उसी के बेनिफिट के लिए होगा। आई बात समझ में? ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जिद नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं इसी माइंडसेट के साथ, इसी अप्रोच के साथ। हर रोज हम यही करते हैं। फिजिक्स में लाइट का चैप्टर चलेगा आज, हम वो भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। साउंड भी हमने ऐसे ही पढ़ाया, लाइट भी हमने ऐसे ही पढ़ाई। हर लेक्चर में कुछ कुछ लाइनें ऐसी उपयोग की जाती हैं कि जो आपके लिए कोशिश एक आधार बने कि आप सोचें उस दिशा में कि भाई कारण क्या है, तो वो हम करते रहते। आप समझिए उस चीज़ को। ओके, चलो भाई महक पहला क्वेश्चन। हाँ हाँ, एक चीज़ और, हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। वैसे तो ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए ना भाई, लेकिन ऐसा कोई नंबर तो यहाँ डाला नहीं हुआ। नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई चैप्टर आपको पूरा करा दिया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, या एक्टिविटी यहाँ पर बनती है, ध्यान से समझना है। प्रश्न का उद्देश्य उत्तर होता है, लड़ाई या जद्दोजहद नहीं। कि आप कश्मकश करने लग गए, विचार करने लगा करो। ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस एज वेल एज इंस्टांसेस ऑफ डिवीजन अलोंग एथनिक रिलीजियस नेशनल कन्फ्लिक्ट्स। क्वेश्चन यहाँ पर यह कहना चाहता है कि धीरे धीरे हम यह देख रहे हैं कि ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ती जा रही है बहुत तेजी से। एक तरफ ग्लोबलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ जो भेद है, जो डिवीजन है, एथनिसिटी के बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर, नेशनल बेसिस, नेशनलिज्म के बेसिस पर, वो कन्फ्लिक्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। आई बात समझ में? ये किसने लिखे क्वेश्चन? तो ये एथनिसिटी के बेसिस पर, रिलीजियस ग्राउंड पर, नेशनलिज्म के ग्राउंड पर, ये डिविजन्स भी बढ़ती जा रही है। देखिए दोनों बातें एक साथ कैसे, ये विरोधाभास एक साथ कैसे। चलिए हम इसे खूबसूरती से समझने का प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं करेंगे हम। पहले आराम से समझेंगे कि ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही बात है। मैं पूरे आंसर कहीं किसी फॉर्म में यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि वो काम शिक्षक ने लेक्चरों में कर दिया है, आंसर तो आप ही को करने हैं। मैं आपको मसाला दूंगा जिससे वो आंसर तैयार होंगे, आपको वो दिशा दूंगा। सबसे पहला शब्द यहाँ पर यह है कि ग्लोबल, यानी कि विश्व के रूप में हम एक दूसरे के ऊपर अधिक निर्भर हो रहे हैं, अधिक जुड़ रहे हैं। जैसे आज के दौर में देखा जाए, अगर मैं अभी कुछ दिन पहले की ही खबर पढ़ता हूँ केरला की, तो केरला की खबर पढ़ते हुए मैंने ये देखा कि वहाँ पर यह हो रहा है, ये कंसेप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट सोशल सेक्टर पर काफ़ी अधिक खर्च करती है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर रेवेन्यू में कमी आई है। रेवेन्यू में कमी आने का एक कारण था पैंडेमिक, तो पैंडेमिक के दौरान वहाँ पर इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुँचा। दूसरा कारण था टूरिज़्म, टूरिज़्म काफ़ी कम हुआ। और एक बहुत बड़ा कारण था कि लगभग जो केरला है उसकी टोटल जो इनकम है उसका 30% कंपोजिशन, 30% पार्ट उन फॉरेन रेमिटेंसेस से आता है जो केरला के लोग विदेशों में जाकर पैसा कमा करके केरल भेजते हैं पैसा। इन्हें फॉरेन रेमिटेंसेस कहते हैं। आपके घर परिवार से कोई विदेश गया,
उसने वहाँ जा कर के पैसा कमाया, तनख्वाह कमाई और आपको यहाँ भेजी, तो ये फॉरेन रेमिटेंसेस हैं। आप भी यहाँ से विदेश भेजते हैं तो वो वहाँ की कंट्री के लिए भी फॉरेन रेमिटेंस हो जाएगा। ओके, तो ऐसे में देखा जाए तो वो कहते हैं कि 30% तो हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा, हमारी स्टेट इनकम का हिस्सा फॉरेन रेमिटेंसेस हैं। बड़े पैमाने पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केरल के लोग मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में और साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में काम करते हैं। सऊदी अरेबिया की बात करें, मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज़ की बात करें, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं। ऐसे में कोरोना की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिकेशन सब ठप हुआ, लोगों की आवाजाही ठप हो गई, बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए, इसका नुकसान केरल को हुआ। ये नुकसान का सीधा सीधा आधार ये है कि बड़े स्तर पर एक तो जो इंटरनेशनली लोग मेडिकल टूरिज्म के नाम पर केरल में आते थे वो नहीं हो पाया। भारत के भी लोग बड़े स्तर पर केरल में जाते हैं टूरिज़्म के पर्पस के लिए, लेकिन मेडिकल टूरिज़्म के लिए बड़े स्तर पर ग्लोबली इंटरनेशनली लोग इंडिया में आते हैं, खासतौर केरल, वो नहीं हो पाए इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। और दूसरी, मेडिकल टूरिज़्म मतलब कि मेडिकल सेवाएं लेने के लिए किसी देश में आपके द्वारा जाना। और दूसरी तरफ देख सके तो हमने जो फॉरेन से आने वाली, इसे सिंपल तौर पर मैं लिख देता हूँ, फॉरेन से आने वाली इनकम्स आपके पास नहीं आई। क्लियर? दोनों ही रूप में हम देखें कि केरल बड़े पैमाने पर निर्भर हुआ विदेशों के मुल्कों के साथ, विदेशी मुल्कों के साथ। या तो वहाँ से टूरिज़्म आना था या तो वहाँ से कमाई आनी थी, यहाँ के लोग वहाँ जाकर के काम करने थे। इसको छोड़ दें। अब आपने एक खबर और पढ़ी होगी कि बड़े स्तर पर भारत अब यह चाहता है कि भारत में स्वयं के पाम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, पाम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ये पाम ऑयल बड़े पैमाने पर कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, इसे हम खाने पीने वाला जो तेल होता है हमारा उसमें भी ब्लेंड करते हैं, तो इसकी ब्लेंडिंग होती है उसमें जो आप तेल इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। ये बड़े स्तर पर मलेशिया से इम्पोर्ट होता है। हम काफ़ी तरह की अब रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना चाह रहे हैं उस इम्पोर्ट के ऊपर, और हम चाहते हैं कि स्वयं का पाम ऑयल विकसित हो, लोग पाम ऑयल खेती करें, पाम लगाएं, पाम ऑयल वाले। आपने हो सकता है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वो वीडियो भी देखी हो कि पाम पे चढ़े और पाम का वो बड़ा सा पत्ता पेड़ काटा और उसे इस तरह से बेलचे से काटते जा रहा है एक आदमी, एट द एंड सेंटर में से वो गोल सा मटेरियल एक निकला, उसको आप क्रश करेंगे, छोटे छोटे गोले गोले निकलेंगे, उसमें से ऑयल निकलेगा। तो यहाँ पर भी हम ये देख पा रहे हैं कि पाम ऑयल के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए भारत बड़े स्तर पर विदेशों पर निर्भर है। खाने पीने वाले तेल की कीमतें बढ़ गई बड़े लेवल पर। जो ऑयल हम कंज्यूम करते हैं, जिसे हम एडिबल ऑयल कहते हैं, खाने पीने योग्य ऑयल, उसकी कीमतें बहुत बढ़ी, क्योंकि जितना ऑयल हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका मेजॉरिटी ऑफ द प्रोपोर्शन हम इम्पोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट करने की वजह से हो ये रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपये की कीमतें गिरती हैं। तो जैसे ही हमारी कीमतें गिरती हैं और डॉलर महंगा होता है तो इम्पोर्ट इस रूप में भी महंगा हो जाता है। फिर विश्व भर में क्योंकि पेंडेमिक हुआ, इसकी वजह से जिन कंट्रीज से हम इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पर भी प्रोडक्शन कॉस्टली हुई क्योंकि लेबर की शॉर्टेज हुई, उन कंट्रीज़ ने भी अपनी कीमतें बढ़ाई उन ऑयल की, क्योंकि उन्हें भी इनकम बढ़ानी थी, अपने लोगों को बेहतर मेडिकल सर्विसेज देनी थी। फिर आवागमन रुका है तो समुद्री स्तर पर ट्रांसपोर्ट हॉल्ट हुई, तो जो शिप्स चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उन्होंने कीमतें अधिक चार्ज की। तो कुल मिला करके हमने दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ने की वजह से एक इतनी लंबी सप्लाई चेन बना ली है, जिस सप्लाई चेन पर अब हमारा भी कंट्रोल उस लेवल पर नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी वो जो ऑयल आपके घर में सप्लाई हुआ, आप जाकर के राशन की दुकान से एक सफोला की या धारा की या किसी भी कंपनी की, सरसों का तेल कह लें, राइस ब्रायन ऑयल कह लें, या फिर ऑलिव ऑयल कह लें, जो भी ऑयल आप कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं, आप उसे लेकर के आए, वो दुकान, वो होलसेलर, होलसेलर के पीछे वो ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोडाउन, पूरा पीछे तक चले जाएं, फार्मर से लेके प्रोड्यूसर से होकर के रिटेलर से होकर के आप तक आने तक, ये एक लंबी सप्लाई चेन है। आप तक ये सप्लाई पहुंच रही है, ये एक बहुत बड़ी चेन के माध्यम से पहुंच रही है, इसे हम सप्लाई चेन कहते हैं। किसान भी उस सप्लाई चेन का हिस्सा है, उसने प्रोड्यूस करके उसको दिया, फिर उसे जिसने खुली मंडी से जिस व्यापारी ने उसको उठाया उस फसल को, वो भी उस सप्लाई चेन का हिस्सा है। उस व्यापारी ने फिर जिस बड़ी कंपनी को वो फसल दी,
वो भी उस सप्लाई चेन का हिस्सा है, और कंपनी ने आगे जब प्रोसेसर को वो दी तो वो प्रोसेसर भी उसका हिस्सा है। उस प्रोसेसर ने आगे बड़े बड़े होलसेलर्स को दी, उन्होंने आगे रिटेलर्स को दी, और रिटेलर्स ने आगे आपको दी। देखिए, आप तक सप्लाई आने के लिए चेन कितना बड़ा था जी। इतना बड़ा सप्लाई चेन आज ग्लोबली डेवलप हो चुका है। H1B वीज़ा को लेकर के आप हमेशा अमेरिका की तरफ से खबरें सुनते रहते हैं कि जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अमेरिका ने H1B वीज़ा की शर्तें नरम कर दी या फिर सख्त कर दी। H1B वीज़ा इस बार इतने इशू किए जाएंगे या इस बार नहीं किए जाएंगे, इस पर टिका रहता है हमारे इंडियन प्रोफेशनल्स का भाग्य कि वो विदेश में जा कर के अमेरिका में अब काम कर पाएंगे कि नहीं। तो हमारे बहुत से लोग वहाँ जा कर के काम कर रहे हैं। हमारी IT कंपनीज़, अब TCS की बात कर लें, इन्फोसिस की बात कर लें, विप्रो की बात कर लें, हमारी कंपनीज़ आज अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इन सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स में कई देशों को, कई कंट्रीज़ को अपनी IT सर्विसेज, अपने प्रोग्राम सप्लाई कर रहे हैं, और इनकी बदौलत ही भारत में बड़े पैमाने पर डॉलर्स आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी आ रही है। हम कितने बड़े रूप में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ चुके हैं। चाहे डिफेंस के क्षेत्र की बात करें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, डिफेंस के लेवल पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पर्सोनल्स की बात करें, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर टिके हुए हैं। रफेल से लेकर के और बहुत सी चीज़ें, चाहे वो S-400 मिसाइल की बात हो, चाहे रफेल प्लेन के एयरक्राफ्ट की बात हो, ये सब चीज़ों के लिए हम उन मुल्कों पर टिके हुए हैं, हम उनसे ये चीज़ें लेते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट डिफेंस के बाद मेडिकल क्षेत्र की बात करें आप, फूड एंड सप्लाई क्षेत्र की बात करें आप, टेक्सटाइल की बात कर लें आप, सर्जिकल्स की बात कर लें आप, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात कर लें आप, टूल्स की बात कर लें आप, स्टील एंड अदर मेटल्स की बात कर लें आप, बड़े स्तर पर उन मुल्कों पर निर्भर करते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट आपके देश में हर तरफ घूम रहे हैं, और आपके हाथों में पकड़े हुए मोबाइल में से मोबाइल की ज़रा मैन्युफैक्चरिंग देखिए, बताएं कितनों की इंडिया में है, और है तो उसकी डिज़ाइनिंग कहाँ की है ये बताएं, और अगर है तो कंपनी देखिए कहाँ की है ये बताएं, कंपनी अमेरिका की होगी। हमें इस पे विचार करना है। ये है एक उदाहरण कि ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस आज बढ़ती जा रही है, समय के साथ साथ ये चीज़ें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही समुद्री रस्तों के माध्यम से व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे एक कंसेप्ट ये आया कि अलग अलग मुल्क स्पेशलाइजेशन को अचीव कर गए, किसी किसी क्षेत्र में वो स्पेशलाइज हो गए, और फिर जब ये स्पेशलाइजेशन हो गया तो फिर ट्रेड होने लगा, ट्रेड बड़े स्तर पर होने लगा। जिन चीज़ों में जापान स्पेशलाइज है, साउथ कोरिया स्पेशलाइज है, भारत वो चीज़ें उनसे लेता है, चाहे वो गाड़ियाँ हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे ऑप्टिक्स से जुड़े हुई चीज़ें जैसे कि कैमरा और अदर मटीरियल। जिन चीज़ों में स्विट्ज़रलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत वो चीज़ें उनसे लेता है, चाहे वो घड़ियाँ हों, चश्मे हों, हम उनसे वो चीज़ें लेते हैं। जिन चीज़ों में भारत ने स्पेशलाइजेशन अचीव कर ली, वो चीज़ें वह भारत से लेते हैं, भारत वो चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो बड़े पैमाने पर जेम्स हो या अदर प्रीशियस स्टोन्स की आप बात करें, गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करें, भारत इन्हें बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करता है। तो कुछ चीज़ों में भारत की स्पेशलाइजेशन हुई, कुछ चीज़ों में चाइना की, कुछ चीज़ों में साउथ कोरिया की, कुछ की जापान, कुछ चीज़ों की रशिया में, कुछ चीज़ों की पेरू में, चिले में, ऑस्ट्रेलिया में, कुछ की पापुआ न्यू गिनी की, कुछ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड की, सभी मुल्क किसी ना किसी क्षेत्र में स्पेशलाइज होते चले गए। स्पेशलाइजेशन के साथ साथ उन्होंने कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी अचीव की। इसके तहत हम ग्राहक को बेहतर गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी की चीज़ सही कीमतों पर देने के लिए बाध्य हुए, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें लगभग सभी मुल्कों में स्थापित हुई, और उसके तहत होने ये लगा कि ग्राहक को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, देश के लोगों को वाइडर चॉइसेस मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं उपभोग के लिए मिलनी चाहिए, वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड अचीव कर सकें। तो आज बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एक बड़ी चीज़ है, और वही बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के तहत आज आपको बहुत सी सुख सहूलत, आज टुडे यू वांट एयर कंडीशनर, अब उसमें अगर किर्लोस्कर का कंप्रेसर लग रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिनाई नहीं कर सकती, उन्हें वो आपको देना होगा। अगर वो चाहे टाटा कंपनी का है, भारत से आ रहा है, कोई बात नहीं, देखें उसमें मशीन्स कहाँ कहाँ की लगी हुई हैं। अगर वो मिशुबिशी का है तो आपको पता है कहाँ से आ रहा है, विदेशों से आ रहा है। अगर वो ओ जनरल का है, आप देखें कहाँ से आ रहा है, LG का है, कहाँ से आ रहा है, वोल्टास का, वो तो टाटा का है। तो मुद्दे की बात यह है कि आज आप सर्विसेज मांगते हैं, आपको चाहिए कैमरा, मोबाइल, LCD, टेलीविज़न, मेडिकल मशीन्स,
आज आपको MRI मशीन चाहिए, आज आपको अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए, अगर वो टेस्ला कंपनी की हैं तो वो भारत का देश, भारत एक देश के रूप में अलाउ करेगा, वो आएंगी। तो बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, बेहतर कम्यूटेशन, बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर इंटरेक्शंस, ये सब चीज़ें जो हैं मांग पैदा करती हैं कि हमें इन चीज़ों को एक्सेस करना है। और इसके स्तर पर आप वो चीज़ें नहीं विकसित कर रहे हैं तो आप उन्हें मुहैया करा के देंगे जहाँ से भी आ रही हैं। और फिर ये देखना ज़रूरी है कि जहाँ से भी वो सस्ती आ रही हैं वहाँ से आएंगी, क्योंकि व्यापारी इन चीज़ों को देखता है। अगर व्यापारी को वो चीज़ अफगानिस्तान से सस्ते मिल रहे हैं वो ड्राई फ्रूट्स, तो वो वहाँ से लेगा क्योंकि उसकी क्वालिटी हाई है। और वही ड्राई फ्रूट उसे भारत से मिल रहा है, उसके पास ऑप्शन होने चाहिए। तो वो सरकारों पर दबाव बनाते हैं कि देखिए हमें यदि ये ड्राई फ्रूट करेंसी का फ़र्क होने की वजह से या फिर किसी भी और रीज़न की वजह से अफगानिस्तान से सस्ता मिल रहा है, आप हमें बाउंड क्यों करते हैं कि हम भारतीय बाज़ारों से खरीदें? हम एक ट्रेडर हैं, हमें वहाँ से ख़रीदना है। आप संबंध बनाए अफगानिस्तान सरकार के साथ और बॉर्डर ओपन करिए। तो देखिए सर, दबाव बनते गए। बेहतर अच्छी क्वालिटी लाइफ देनी मजबूरी है, ज़रूरी है। लोगों को वाइडर चॉइसेस देनी है, लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करना है। वैश्वीकरण बढ़ता चला जा रहा है, डेवलप होते चले जा रहे हैं। अमेरिकी उद्योग जगत को अच्छे प्रोफेशनल्स चाहिए, और वो भी ठीक ठाक सैलरी में। उन्हें अगर वो लोग इंडिया से मिल रहे हैं तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आप कैसे रोक सकते हैं? अमेरिका की लोकतांत्रिक सरकार वहाँ के उद्योगपतियों को कैसे रोक सकती है? वहाँ के उद्योगपति दबाव बनाते हैं कि भाई हमें इंडियन IT प्रोफेशनल्स चाहिए, वी नीड इंडियन डॉक्टर्स, या वी नीड इंडियन स्कॉलर्स एज अ डॉक्टर, हमें वो लोग यहाँ पर चाहिए, तो वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ की सरकारों पर दबाव बनता है। और अगर नहीं मानती सरकार उनकी बात, तो सरकार असल में है क्या? सरकार तो एक तरह का वही प्रतिनिधित्व है जैसी सोच लोग रखते हैं। तो नहीं, अगर वो मानते जिद्दी हैं, ठीक है, फिर नॉर्थ कोरिया है, फिर बैठे रहो, फिर कोई बात नहीं, फिर विकास भी देखा जाएगा, GDP भी देखी जाएगी, फिर देखा जाएगा महंगाई का स्तर कितना है, पैदावार कितनी है यहाँ पर। अगर कोई अच्छा सीड कहीं से आ रहा है, किसी कंट्री से, अच्छे फर्टिलाइज़र्स आ रहे हैं, अच्छे इंसेक्टिसाइड्स आ रहे हैं, आपको वो चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने आप को क्लोज कर रखा है, आपके किसानों को वो मुहैया नहीं हो रहे, तो फिर आपकी राष्ट्र की प्रगति कहाँ है वो देखना होगा। अच्छी सड़कें एक सिटी में, अच्छी बिल्डिंग्स एक सिटी में, अच्छी खासी तगड़ी सेना दिखा देना और एक आदमी को बहुत ही प्रोग्रेस में दिखा देना ही प्रगति नहीं है, ही विकास नहीं है। यह भी हमें समझना होगा। लोग अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं कि नहीं, वो हो सकता है बहुत सी इंडियन मूवीज़ देखना चाहते हों डबिंग के माध्यम से, वो हो सकता है फ्रीक्वेंटली वर्ल्ड विजिट करना चाहते हों, वो हो सकता है बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अमेरिकन इंडियन जिन्हें कंज्यूम करना चाहते हों, लेकिन नहीं कर सकते, ये समस्या का कारण है। तो आप अंकुश नहीं लगा सकते, लगा रहे हैं तो समस्याएं उत्पन्न होंगी, फिर आप उन्हें शक्ति के आधार पर दबाते हैं वो एक अलग बात है। मुद्दा यह है कि ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस आज की डेट का एक सत्य है, यह सत्य है। लेकिन अब यहाँ समस्याएँ आती हैं। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि एथनिक रिलीजन, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे इन ग्राउंड्स पर समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। लगातार वेस्टर्न यूरोप से आपको बहुत सी घटनाएं देखने को मिलेंगी। किसी समय में मुस्लिम रूल जब विश्व भर में स्थापित हो रहा था, इजिप्ट एक समय में सेंटर हुआ करता था, उसका पश्चिमी क्षेत्र मगरेब कहलाता था और पूर्वी क्षेत्र मशरिक, जहां से सूर्य उगता है, जहां सूर्य डूबता है, इस तरह से उनका भी अपना एक किंगडम। तो अफ्रीका के ऊपर के हिस्से के एक देश मोरक्को से होते हुए लोग एंटर किया करते थे यूरोप में, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करके, और बड़े पैमाने पर वहाँ से भी लोग गए, मिडल ईस्ट से भी कॉन्स्टेंटिनोपल होते हुए लोग वहाँ पहुँचे। तो वह यूरोप का एक हिस्सा है जहाँ पर काफ़ी हद तक मुस्लिम पॉपुलेशन है। दक्षिणी यूरोप देख लें और पश्चिमी यूरोप देख लें, वेस्टर्न यूरोप देख लें, साउथर्न यूरोप देख लें, आपको वो देखने को मिलेगा। इसके बाद वो ज़माने बहुत पुराने, लेकिन अब मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, लोग कामकाज के आधार पर, व्यापार के आधार पर, वैज्ञानिकों के तौर पर या फिर छात्रों के तौर पर तेज़ी से उन मुल्कों में गए। धीरे धीरे वो वहाँ बस गए और वहाँ बसने के बाद वहाँ के वर्क परमिट ले लिए, धीरे धीरे वहाँ के नागरिक हुए। उन मुल्कों में हो सकता है
यहाँ पे किसी मुल्क को टारगेट नहीं किया जा रहा। उन मुल्कों में हो सकता है कि धर्म के तौर पर एक मत हो और एक रिलीजन डोमिनेटिंग हो सकता है स्टेट ने अपने आप को पूरी तरह से डिवाइड दूर रखा हो रिलीजन से, लेकिन उसका एक अर्थ यह भी तो हो सकता है कि रिलीजन अपने आप में आगे बढ़ता रहे, स्टेट उसमें कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जब उस रिलीजन को थ्रेट होगा फिर स्टेट आगे आ जाएगा। स्टेट ने रिलीजन से खुद को अलग कर रखा है, इसका कारण यह भी है हो सकता है कि स्टेट को कोई थ्रेट नहीं है कि हमारे रिलीजन को भी समस्या होगी, क्योंकि रिलीजन बड़ा स्ट्रांग है अपने आप में। हाँ, समय के साथ जब चुनौतियाँ आई तो फिर वो रिलीजन के प्रोटेक्शन में स्टेट खड़ा भी नजर आया, लेकिन जब वहाँ पर अलग अलग धर्म के, जातियों के, संप्रदायों के लोग, नस्लों के लोग वहाँ जा कर के बसने लगे तो धीरे धीरे वह भी अपनी मान्यताओं को मानना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनके धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं वहाँ पर बने, रिलीजियस प्लेसेस वहाँ पर बने। वह रिलीजियस प्लेसेस बनने के लिए वो लैंड एक्वायर करते हैं या पुरानी जो रिलीजियस बिल्डिंग है किसी दूसरे धर्म की उसे लीज पे ले लेते हैं या ख़रीद लेते हैं और उसे मॉडिफाई करके अपने धर्म से जुड़ी हुई बिल्डिंग्स में बदल देते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएँ, मैं जब गया था तो वहाँ पर जो चर्च हुआ करते थे, पुराने चर्च की जो बिल्डिंग अब वहाँ पर चर्च नहीं है, सिखों ने उन्हें ख़रीद करके वहाँ पर गुरुद्वारे बना रखे हैं। वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर पूरा चर्च का है, आज भी वैसा ही है, उसे ज़्यादा नहीं बदला गया, और वहाँ पर गुरुद्वारा हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं विश्व भर में। फिर जो नया युवा पैदा हो रहा होता है वहाँ की ओरिजिनल स्टॉक का, उन्हें रोज़गार में अपॉर्चुनिटी कम दिखने लगती हैं कि हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, यहाँ पर रह गई, क्योंकि ये जो बाहर से लोग आए थे इनकी पीढ़ियों ने यहाँ पर नौकरियाँ कब्जा कर ली, या जो इनके और रिश्तेदार आते जा रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं उनमें हम किसी भी तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, हम अगर किसी धर्म का कोई क्रिटिसिज्म करते थे या किसी तरह की हमारी कोई मत हुआ करती थी, हमारा विचार हुआ करता था, आज ये हमारे मुल्क में बैठ करके ही उसको काट रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं और धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपने रिलीजन के रिलेटेड प्रोसेशन निकाल रहे थे, इन्होंने उसे रोका लोकतांत्रिक अधिकार के नाम पर। हमें नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र, हमारे देश में नहीं चलेगा ये लोकतंत्र, ख़त्म करो और इनको हटाओ यहाँ से, इनको निकालो यहाँ से। तो फिर कई तरह की मैगजीन्स में कई तरह की टीका टिप्पणियाँ करी जाएंगी, कई तरह के कार्टून्स भी बनाए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि तुम सेकंड थर्ड रैंक के सिटीजन हो, तुम हमारे सिटीजनशिप का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम इन्होंने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली लेकिन हमारी जो सिटीजनशिप बाय डिसेंट और बाय बर्थ है वो अपने आप में सुप्रीम है। इस तरह से चाहे रिसोर्सेज की बात हो, इनकम एम्प्लॉयमेंट की बात हो, रिलीजियस एक्सप्रेशन की बात हो, चाहे सुपीरियरिटी एथनीसिटी के बेसिस पर सुपीरियरिटी की बात हो, हर तरह से एक तरह का कन्फ्लिक्ट आपको उनमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ये ग्लोबलाइजेशन का नतीजा भी है। ग्लोबलाइजेशन का नतीजा ये इस रूप में है कि जब एक तरह से ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस है तो हम ये भूल जाते हैं कि कहानी व्यापार से ही शुरू होती है, लेकिन चीज़ें व्यापार तक फिर चलती नहीं हैं। धर्म का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। यूरोपियंस जब भारत आए थे, सबसे पहले पुर्तगालियों की बात करते हैं, वही आए थे, आए वो व्यापारी के तौर पर ही थे, लेकिन वो यहाँ पर रह कर के अपनी साख को आगे बढ़ा सकें उन्होंने अपने अफसरों को इस बात के लिए मोटिवेट किया कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो और यहाँ पर संतानों को जन्म दो, और एंग्लो इंडियंस यहाँ पर बनने शुरू हुए। इसके तहत बड़े पैमाने पर पुर्तगालियों ने अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई थी, उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किए और कई तरह पर धर्म परिवर्तन जबरन किए उन्होंने। तो धर्म परिवर्तन जबरन करना, अपने जेसुइट्स भारत में बुलाना, मिशनरी भारत में बुलाना, तेज़ी से लोगों को धर्म के प्रचार में ले करके आ जाना, यहाँ की महिलाओं से विवाह कर करके तेज़ी से संतान उत्पन्न करना, ये कुछ मूल कारण रहे कि भारतीयों में एकदम से आक्रोश पैदा हुआ और उन्हें उखाड़ करके फेंक दिया गया। यह कारण रहा कि उनके खिलाफ एक वेव थी, यही कारण है कि वो हारे हैं भारत में अंग्रेजों के हाथों, ये कुछ मेन रीजंस रहे हैं। तो देखिए, व्यापार ही के तौर पर आप आए हैं, कर भी व्यापार रहे हैं, लेकिन आप अपनी मौजूदगी को यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं, अपने लिए राजनीतिक माहौल तैयार कर रहे हैं, उसके लिए सहारा धर्म का लिया जा रहा है। और फिर जिन लोगों का पहले से बस रहे लोगों का वहाँ पर धर्म है, जब उसका वो अतिक्रमण होते देखते हैं, एनक्रोचमेंट होते देखते हैं, फिर वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिएक्टिव होते हैं, फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे एक एपिसोड आपको नजर आएगा, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति का पहला आधार रखा गया है, या फिर जिसे 1857 का
सिपॉय म्यूटिनी या फिर विद्रोह भी कहते हैं, कई तरह से उसे पुकारा जाता है, वो हिस्ट्री के लेक्चरों में डील है, आज उस डिबेट में ना जाएं। हम मुद्दा समझें कि अंग्रेजों को ये लग रहा है कि भारतीयों की जो बल है, जो शक्ति है, उसका आधार उनका धर्म है, उनका धर्म है जो उन्हें संगठित करके रखता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, उदाहरण समझाता हूँ, ध्यान समझो। मान लीजिए कि किसान जो है वो सरकार के द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, सपोज करो, इस चीज़ को समझो, लोकतंत्र में के नज़रिए से हम देखें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उस नज़रिए से देखें तो केंद्र कानून, केंद्रीय सरकार ये कानून लाई, उस हिसाब से देखें तो केंद्रीय सरकार पर हो सकता है कोई असर भी ना हो अगर पंजाब के किसान ऐसा कर रहे हों, क्योंकि वह यह कहेंगे कि मात्र 13 सीटें हैं जो पंजाब से लोकसभा में हमारी पार्टी को मिलती हैं, मतलब संसद में जो 13 सीटें हैं वो हैं, और उसमें से हमारी पार्टी मुश्किल से 2-3 या 4 ही जीता करती थी, इतनी सीटें कॉम्प्रोमाइज़ में हो जाएं कोई बात नहीं, किसी और क्षेत्र से जीतेंगे, तो वो सुने भी नहीं। तो बीइंग अ पंजाब, हो सकता है गवर्नमेंट इग्नोर भी कर दे, लेकिन अब यहाँ पर चेंज आएगा, वो क्या, अगले स्तर की लड़ाई शुरू होती है। फिर एक रीजन, एक यूनिट ऑफ द यूनियन के तौर पर आपको एक गवर्नमेंट ने इग्नोर भी कर दिया, तो आपके पास अब दूसरा ऑप्शन है, वो कौन सा है, द ऑप्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप। अब आप बींग पंजाब वहाँ नहीं खड़े होंगे, अब आप बींग फार्मर होंगे, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एज अ फार्मर ग्रुप, एज अ प्रेशर ग्रुप, आप पंजाब की लिमिट से बाहर आप पूरे इंडिया के फार्मर ग्रुप के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करें, फिर ये सरकार पर दबाव आ जाएगा, क्योंकि किसान महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है, हिमाचल में भी है, यूपी में भी है, बिहार में भी है, हर क्षेत्र में, फिर सरकार यहाँ पर टेंशन में आ जाएगी कि अब ये कहानी पंजाब की नहीं, ये मुद्दा किसानों का है, और किसानों ने अपनी इस मुहिम को एक राज्य से बाहर अपने प्रेशर ग्रुप के अंडर सारे ही क्षेत्रों को कवर कर दिया। इसलिए आप देखेंगे सरकार की तरफ से फिर ऐसे शब्द आने शुरू हो जाते हैं कि ये केवल पंजाब के किसानों का विरोध है। पहले वो कह सकते हैं कि ये विरोध केवल पंजाब से आ रहा है, फिर जब इसका तोड़ निकाला किसानों ने कि हम इसे पंजाब स्पेसिफिक एक मूवमेंट की बजाय किसान स्पेसिफिक करके आगे बढ़ाएंगे कि ये भारत भर में किसान है, फिर सरकार ने उसका तोड़ निकाला, एक शब्दावली बार बार देनी शुरू की कि ये पंजाब के किसानों का विरोध है, फिर उसमें हरियाणा वेस्टर्न यूपी किसान भी जुड़े, फिर ये कहा जाने लगा कि केवल 2 राज्य और 1 राज्य का कुछ क्षेत्र के किसान हैं। तो बार बार वो अपने मुहिम को बढ़ा रहे हैं और बार बार सरकार उस मुहिम को कुछ क्षेत्र तक सीमित बताने का प्रयास करती रहती है। आई बात समझ में, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ। इसी तरह से रिलीजन का कंसेप्ट होता है, रिलीजन के तौर पर आप एग्जीक्यूट होते हैं, जब आपका इनक्रोचमेंट होने लग जाता है, जब अतिक्रमण होने लग जाता है, तब आपको ऐसा होता है कि अब हम अपने आप को उभार करके लेकर क्या है, निकाल करके लेकर क्या है, तब वो फिर आप 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, मान लीजिए कि इस्लाम धर्म से ही बिलोंग कर रहे हैं, और जिस किसी देश में हैं उस देश में ईसाई धर्म बड़ा मजबूत है, क्रिश्चियनिटी, और वहाँ पर आपके साथ कोई समस्या हुई, तो फिर वहाँ पर होगा ये कि आप 3-4 बाय नंबर काउंट नहीं होंगे कि 4 लोगों पर ऐसा हुआ, ये तो स्ट्रेंथ बड़ी कम है, क्योंकि उस देश के जिन लोगों ने आपके साथ ये किया या उस देश की पूरी जनसंख्या बहुत होगी। यहाँ पर कंसेप्ट मजबूत यहाँ से किया जाता है कि 4 इस्लाम धर्म के अनुयायियों के साथ ये हुआ, 4 मुस्लिम्स के साथ ये हुआ, तो फिर विश्व भर के इस्लाम, विश्व भर का मुस्लिम जगत उन 4 से जुड़ जाएगा, तो आप रीजन से, स्टेट से बाहर हो जाते हैं, फिर कम्युनिटी तक आ जाते हैं। सेम भारत तक में भी ऐसा पुर्तगालियों के समय में हो रहा था कि जब आप अपने आपने अपना धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, तो तब यहाँ पर ये होने लगा कि जो एग्जिस्टिंग रिलीजन थे उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि हमारा अतिक्रमण होने लग गया, और अगर एक बार हमारा यहाँ पर अतिक्रमण होना शुरू हो गया, हमारे लोग कन्वर्ट होने शुरू हो गए, हम नेगेटिव होने शुरू हो गए, तो हम खतरे में आ जाएंगे। और यही समस्या में 1857 के उस समय के विद्रोह में क्यों नज़र आती है कि अब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि ये बल कहाँ से प्रदान प्राप्त करते हैं, कि ये देश के तौर पर तो खुद को देख नहीं रहे, इस मुल्क को देश के नाते हराना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि देश के रूप में तो ये खुद को देखते ही नहीं है, इंडिया नाम का देश तो वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस मुल्क को समस्या यहाँ आ रही है कि धर्म के रूप में जो एकता मिल रही है, ये चीज़ हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कि ये किसी भी राज्य में हो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं जब हम इनके राज्य को जीत लेते हैं,
किंग को हरा देते हैं, इनके देश को जीतते जा रहे हैं, इन्हें समस्या नहीं आ रही। मुद्दा यह है कि ये देश और राज्य के रूप में आपस में जुड़े भी नहीं हुए, ये उस आधार पर तो बटे हुए हैं। अगर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इन्हें कुछ जोड़े हुए हैं, धर्म जोड़े हुए हैं, तो इनके बल का, इनकी एकता का आधार इनका धर्म है। और यदि हम किसी राज्य की टेरिटरी को, किसी कंट्री की टेरिटरी को अकेले कंट्रोल नहीं करना चाहते, क्योंकि जो अकेले कंट्रोल हो वो लॉजिकली टेरिटरी है भी नहीं, वो लैंड है, वो लैंड है, इट इज नॉट द टेरिटरी। टेरिटरी राज्य की होती है, समझ आई बात? और राज्य प्रजा से बनता है, और राज्य के राज्य कंट्रोल में आ जा रहे हैं, प्रजा कंट्रोल में नहीं आ रही, तो राज्य कंट्रोल में कैसे आया? हमने लैंड कैप्चर कर लिया, लोग हमारे पास बस में नहीं है पहला, और लोग हमारे साथ नहीं है दूसरा। आई बात समझ में? जैसे कि बहुत से राजा महाराजाओं ने पहले के समय में, जबरन उत्तर से मुगलों की बात करें तो औरंगजेब दक्षिण के लैंड ऑक्यूपाई कर लिए लेकिन चल नहीं पाए। ऐसे ही हमारे राजा महाराजाओं ने शुरू से लेकर अब तक नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान के भी लैंड ऑक्यूपाई किए लेकिन फिर लंबा चल नहीं पाए। कारण यही है कि आप क्षेत्र को तो अपने अधिकार में ले आते हैं, अधिकार क्षेत्र वहाँ तक चला जाता है आपका, लेकिन मुद्दा यह है कि नियमों की पालना नहीं हो करा पा रहे आप, क्योंकि लोग वहाँ आपके साथ नहीं या आपके बस में नहीं। ओके, अब अंग्रेज ये कहते थे कि ये राज्य पर राज्य जीतते जा रहे हैं, भारत की टेरिटरी हमारे कंट्रोल में आती जा रही है, बट ये एक यूजलेस लैंड बन जाएगा जब तक इनमें बस रहे लोग हमारे अधीनता स्वीकार नहीं करते। हमारी स्वाधीनता ये तो अभी भी अपनी पंचायतों से चल रहे हैं, ये तो अभी भी अपने धर्म के निर्देशों से चल रहे हैं, ये तो अभी भी धर्म अधर्म के आधार पर, पुराण ग्रंथों के आधार पर, अपने जो चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाएं हैं, चाहे कुरान की, चाहे किसी भी किसी धर्म की, चाहे महाभारत रामायण पुराणों की शिक्षाएं, ये तो उसी के आधार पर चल रहे हैं हम। वेयर इज़ द अथॉरिटी ऑफ यूरोपियंस? ब्रिटिश अथॉरिटी किधर है? हम अपनी विल तो इन्हीं में एग्जीक्यूट करेंगे ना, और इनमें एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपनी पावर का इस्तेमाल करते ही चले जाएंगे, तो ये संबंध तो कोई संबंध हुआ नहीं। असल में इन्हें हमें हमारे अधीन करना होगा, और अधीन ये तभी होंगे जब इनकी स्वाधीनता खत्म होगी। स्वाधीनता तभी खत्म होगी जब इनके अंदर एक साथ जुड़े रहने का भाव खत्म हो जाएगा, इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, और वो शक्ति व बल इन्हें प्रदान करता है इनका धर्म, तो इन्हें इनका धर्म भ्रष्ट कर दो। धर्म भ्रष्ट करने की इनके अंदर भावना डाल दो तो फिर ये अधर्मी हो करके अधीन हो जाएंगे। आई बात समझ में? क्योंकि ये मानसिक रूप में खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो एनफील्ड राइफल में भरने वाले जो कारतूस थे उनको गाय की और सुअर की चमड़ी से बनाया जाता था, ताकि मुस्लिम यदि उसे काटे तो उसका भी धर्म भ्रष्ट हो जाए, हिंदू काटे तो उसका भी धर्म भ्रष्ट हो जाए, और फिर इन्हें खत्म करना आसान। आई बात समझ में? तो आए तो आप व्यापारी के रूप में ही हैं, लेकिन राजनीतिक रूप में स्थापित होने के लिए उपयोग आपने धर्म का किया है। तो चाहे आज की डेट में भी आप किसी कंट्री में जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पर, चाहे आप परमानेंट रेजिडेंसशिप लेकर के जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी रीज़न से व्यापारी के तौर पर जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट वीज़ा, कैसे भी, लेकिन आपके प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें आपकी पूजा पाठ और बाकी प्रक्रियाएँ सम्मिलित रहती हैं, आप उनसे मुक्त नहीं हो पाते। शुरुआती तौर में उस मोहल्ले में, उस क्षेत्र में अकेले हो तो मुमकिन नहीं है, तो फिर घर में ही अपना छोटा सा मंदिर बना लोगे, घर में ही पाठ कर लोगे और अपना वो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर लोगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब आपके जैसे आपके और रिश्तेदार यहाँ से बुला लिया आपने, और किन्हीं किन्हीं और राज्यों से भी कुछ आ गए, तो आपस में एक दूसरे के साथ बोली के, भाषा के आधार पर दुकानों में, होटल में सुन लिया एक दूसरे को, फिर एक साथ हो जाओगे, मिल जाओगे, और फिर मिल करके कम्युनिटी बनाओगे, फिर अपना कम्युनिटी सेंटर बनाओगे वहाँ पे, और फिर धीरे धीरे मिल करके अपना छोटा सा रिलीजियस एक प्लेस भी वहाँ बनाना चाहोगे, क्योंकि नंबर में भी बढ़ जाओगे, फाइनेंसेस में भी बढ़ जाओगे, स्ट्रेंथ में भी बढ़ जाओगे, क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाया तो उसे चलाने के लिए कुछ लोग भी चाहिए, तो वो लोग भी अपनी ही कम्युनिटी से मिल जाएंगे जिनको सपोर्ट करने के लिए सैलरी दे पाओगे, सारे मिलके ये कर पाओगे, फिर धीरे 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 नंबर में और ज़्यादा बढ़ जाओगे, कि वहाँ तो वहाँ की लोकतांत्रिक सरकारों पर लोकतांत्रिक दबाव बनाओगे कि हमारी कम्युनिटी, आप नागरिक है भाई यहाँ की, हम आपको वोट डालेंगे, हमारे अधिकारों की यहाँ पर स्थापना करो।
हमें यहाँ पर मंदिर चाहिए, गुरुद्वारा चाहिए, स्थापना करो, हमें बैसाखी मनानी है, दिवाली मनानी है, कम्युनिटी सेंटर में हमें अलाउ करो, हमें परमिशन दो, हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, फिर और हमें भी सारी टैक्स एग्जम्पशंस दो जो आप अपने लोगों को देते हो, हमें हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल बनाने हैं और हमें अपनी इस्लामिक एजुकेशन देनी है या फिर पौराणिक एजुकेशन देनी है, उसके लिए हमें अलाउ करो, हमें भी ग्रांट दो जैसे क्रिश्चियन स्कूल्स को दे रहे हो। ऐसे ऐसे दबाव बनते जाएंगे और वो नेता ये करते जाएंगे। इसका आक्रोश वहाँ के लोकल लोगों में आ सकता है कि नेता तो बिक चुके वोटों के आधार पर इनके हाथों, लेकिन हम अब खत्म होते जा रहे हैं, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारे चर्च इन्होंने एक्वायर कर लिए, या फिर हिंदुओं को डर है हमारे मंदिर एक्वायर कर लिए, सिखों को डर है हमारे गुरुद्वारा एक्वायर कर लिए, वो लैंड एक्वायर कर लिया, भूमि खरीदते जा रहे हैं। इस तरह से फिर जो लोकल कम्युनिटी रहती है, जिसे आप ओरिजिनल तो कोई भी नहीं वैसे, लेकिन समझने के लिए अगर ओरिजिनल वर्ड भी यूज़ करें तो उसको कई तरह के थ्रेट्स अपने आप में ही परसीव होने लग जाते हैं, फिर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, चाहे वो नस्ल के आधार पर हों, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हों। और ये हो रहा है जब ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तभी तो डाइवर्स लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे ना। अब आप इसे किसी भी तरह से किसी भी देश में लागू करके देख लेना, इन आधारों पर आपको झगड़ा मिल जाएगा। या तो वो प्रेयर मीट करना चाहते हैं तो उनमें कोई गुस्सा आ गया, या उनके धर्म से जुड़े हुए किसी पर्सनैलिटी, या उनके ईश्वर, या उनके भगवान, या अल्लाह, या फिर पैगंबर, या किसी भी तरह से किसी शख्सियत के ऊपर कुछ कहा बोला या बनाया या लिखा गया, तो उनमें आक्रोश प्रकट होगा। फिर ही एक फॉर्म में जा करके कई बार वायलेंट भी हो जाता है, फिर आप गोलियां भी चला देते हैं, बम धमाके भी कर देते हैं, फिर ये आतंकवादी घटनाओं का रूप ले जाते हैं, और फिर वहाँ के लोकल से ओरिजिनल्स में और ज़्यादा इसको लेकर के आक्रोश भड़क उठता है। न्यूजीलैंड में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली, आपने मानवता को कुचल देने वाली एक घटना हुई थी, जब आपने देखा होगा कि एक मस्जिद में घुस करके एक बंदे पर्सन ने इतनी ज़बरदस्त फायरिंग की, बड़े पैमाने पर लोगों को मार डाला, ख़त्म कर डाला। तो वो एक तरह का क्या है कि फिर आप ऐसे शब्द भी सुनते हैं कि विश्व भर में एक फोबिया क्रिएट कर दिया गया है इस्लाम को लेके, इस्लामोफोबिया, जिसके प्रति लोगों का आक्रोश निकल रहा है, वो इस्लाम के प्रति यानी कि मुस्लिम्स के प्रति, एंड दिस इज़ नॉट करेक्ट। और वो उस अंग्रेज, उस गोरे आदमी ने अंधाधुंध गोलियां चला करके ख़त्म कर दिया, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नॉनसेंस, बेकसूर लोगों को मार डाला। मुद्दा यही है कि ये ग्लोबलाइजेशन का ही प्रतीक है, क्योंकि वो लोग नागरिक हो रहे हैं, इराक से हैं, असीरिया से हैं, विस्थापित हैं, माइग्रेंट हैं, न्यूजीलैंड ने या ऑस्ट्रेलिया ने उन रिफ्यूजीज़ को बुला करके वीज़ाज दे दिए, सिटीजन बना दिया, वहाँ के लोकल लाइफ को बड़ी समस्या हुई कि हमारी ये जो सरकार है, इस सरकार ने अपना एक नया वोट बैंक क्रिएट करने के लिए इन लोगों को, रिफ्यूजीज़ को यहाँ बुलाया, सेटल किया और उन्हें नागरिकता दे करके, नेचुरली वो अब इसी को वोट डालेंगे क्योंकि इसने ही ये सब किया, तो ड्यू फॉर द सेक ऑफ द वोट ये ऐसा किया जा रहा है, जबकि हमारे लैंड, हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारी सिटीज़, हमारी हेरिटेज, पॉपुलेशन की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज भेंट चढ़ते जा रहे हैं, आने वाले हमारी नस्लों को अब इस देश में क्या मिलेगा, फिर वो कहाँ जाएंगे, किस आइलैंड पे जाकर के अपना घर बसाएंगे, ये भी विचार है। ऐसे कंसेप्ट ऑलवेज चलते रहते हैं और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो इसलिए लगातार सामाजिक और शांति दूतों की आवश्यकता रहती है, जो समाज में आकर के समाज को ये समझाते रहे कि ये ठीक नहीं, ऐसा विचार ना करें। सरकारों को भी कहा जाता है कि लाभ के आधार पर ये ना करें, अगर सही मायने में रिफ्यूजियों को नज़र में रखते हुए आपको कई तरह की सहायताएं प्राप्त प्रदान करनी है तो ज़रूरी नहीं उन्हें उठा करके यहीं ले आना है, प्रयास करें कि विश्व पटल पर इस मुद्दे को उठाएं, विश्व के सभी देशों को अपने साथ जोड़ें, और जो कोई उनका मूल देश है, देखिए खुश तो वो भी वहीं रहेंगे, उनका जो हेरिटेज है, जहाँ पर कल्चर है, उन्हें वहीं पर स्थापित करने की कोशिश करें, हथियारों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आवाज़ उठाएं, डिसआर्ममेंट की बात करें, आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात करें, रोज़गार बढ़ाने की बात करें, उस क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो उन क्षेत्र के लोगों की विकास के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट उन एरियाज़ में बढ़े ताकि लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सके, यूनाइटेड नेशन, WHO, वर्ल्ड बैंक बड़े स्तर पर आगे आए, वहाँ के लोगों को ऐसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वुमेन को एजुकेशन दी जाए, तो इस तरह से प्रयास करें कि उन्हीं क्षेत्रों को जीवन योग्य बनाया जा सके, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनमें कि टेररिज्म बहुत मजबूत है, उसे ख़त्म किया जाए। तो जरूर एक हल यह भी है, तो बड़े स्तर पर आपको आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, और फॉर द टाइम बीइंग इसमें समय लगता है, आप उन्हें अपने मुल्क में लाएं, रखें, उन्हें आसरा दें, सहारा दें, उन्हें हर तरह से समर्थन दें, सपोर्ट दें, कोई समस्या की बात नहीं। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन बहुत से विचार करने की तरफ आपको प्रेरित करता है, इसमें डूबें, आपको बहुत कुछ
सीखने को मिले, ज्ञान का सागर है। प्रतिदिन यदि शिक्षा में डूब जाओ, पढ़ाई में डूब जाओ, ये भी गारंटी करता हूँ कि आनंद लेने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। इन्हीं में आनंद बहुत है। अगर विचारों के सागर में डूब जाओ तो आनंद उसमें भी बहुत है, लेकिन क्योंकि उस विचारों के सागर में डूबना नहीं आता, हम एक अच्छे स्कूबा डाइवर नहीं हैं, इसलिए हम हर बाहर भागते बहुत जाता है, बाएँ दाएँ घूमते भागते रहते हैं, खाली इंद्री का मजा लेके, आँख का मजा लेके ही जीवन का रस पीना जानते हैं। इधर देख लिया, उधर देख लिया, इसका ही मजा लेके जीवन का रस पीना है, ऐसा ही सत्य नहीं है। मज़े और भी हैं, आँख बंद करके भी बहुत मज़ा आ सकता है, वो लेना सीखो। आँख खोल के ही मज़ा आए ऐसा ज़रूरी नहीं, लेना तो तुमको मज़ा ही है ना, लेना तो तुमको आनंद ही है ना, लेना सीखो। बहुत से तरीके हैं, डिफरेंट स्टेट्स डूइंग अवे विद सोशल राइट्स। भाई विश्व भर के कई देश हैं, भारत के राज्य हैं, भारत स्वयं भी होगा, है, होगा क्यों, है, जो धीरे धीरे सोशल राइट्स कम करते चले जा रहा है। क्या क्वेश्चन ये क्या कहना चाहता है? देखिए मुद्दा ये है कि आपके कई तरह के अधिकार होते हैं। आप नागरिक हैं, तो हमने चैप्टर के तहत क्या पढ़ा था, नागरिक के रूप में आपके अधिकार क्या हैं, आपके सिविल राइट्स हैं, आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं और आपके सोशल राइट्स हैं। उन सोशल राइट्स के तहत जितने अधिक सोशल राइट्स एक राज्य, यहाँ पर राज्य राज्यों को भी कहा जा सकता है, देश को भी कहा जा सकता है, किसी को भी कहा जा सकता है, उन सोशल राइट्स के तहत एक राज्य जितने अधिक सोशल राइट आपको प्रोवाइड करता है वो उतना ही वेलफेयर ओरिएंटेड राज्य कहलाता है। क्योंकि करमजीत सोशल राइट्स का पर्पस क्या है, आपको वेलफेयर प्रोवाइड करना। ये मैंने उस दिन पढ़ाया था, काफ़ी गुम हो क्या बात हो गई, लेक्चर पढ़ाते हुए टॉपिक देते हुए टॉपिक की कोई एक कड़ी आपसे कई बार जुड़ जाती है और हम कपड़े की बांधी भांति उसी कड़ी से बंद करके रह जाते हैं, लेक्चर के अगले हिस्से तक पहुंच नहीं पाते। कोई बात नहीं, आगे बढ़ा करो। किसी भी कड़ी में यदि बंधा पाया जा रहा है स्वयं के द्वारा कि मैं इससे बहुत ज़्यादा ही सरोकार रख गया, जो सर ने अभी समझाया, उसे वहाँ पर रेस्ट दे दिया करो। कहो कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं गाड़ी में, बस में, बाइक पे, घर पे जाके इस पे दोबारा विचार करूँगा, अभी तो मैं आगे बढ़ूँ। हो सकता है और कई कड़ियों के साथ मैं खुद को जोड़ पाऊँ। वहीं पर रुक जाना ठीक नहीं, एब्सेंट मत रहा करो। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं अच्छा लगता कि आप प्रिटेंड तो करेंगे आप बहुत अच्छे लेक्चर सुन रहे हैं, समझ आप नहीं रहे, क्योंकि जो इतना पढ़ा रहा है आदमी उसे देखते पता लग जाता है कौन सुन रहा है, कौन पढ़ रहा है कि नहीं। कृपया पढ़ें, चाहे मुझे देखे भी मत, तभी मैं समझ जाऊँगा आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आपको जो राइट्स वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, हैं, कौन से राइट? अच्छा, मुझे लगा कहती फॉर्चून राइट। गुड, सबका अपना अपना तरीका है कि नहीं, हमें कुछ भी लग सकता है। उन्हें सोशल राइट्स कहते हैं। बताओ जैसे दो चार सोशल राइट बताओ बेटा। हाँ, हेल्थ रिलेटेड क्या, जिम जाने की जैसे पैसे देती सरकार, वेरी गुड, हाँ गुड। तो हेल्थ रिलेटेड राइट्स, सरकार आपको लगातार अपने दूरदर्शन पर आने वाले इश्तिहार और सरकार अपनी कई तरह की और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताती है कि कैसे अच्छा जीवन बिताना है। दालें खाया करें, मिनरल्स और विटामिन को पूरा रखें, मीट की भी फ़ोटो होती है उसमें, फ़िश भी होती है, खा लिया। ये नहीं है कि तुम कहो तो सर दालें ही खिलाते हैं, तुमको जो भी न्यूट्रिशियस लगता है खाओ भाई, मैं नहीं रोकता। खाने के इतने व्यंजन हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, वो तुम्हारी इच्छा है तो खाओ। सरकार कहती है कि प्रोटीन का सही बैलेंस्ड इनटेक लो, तो सरकार बैलेंस्ड डाइट को लेकर के बहुत बार प्रमोट करती है, थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोटी। तो अक्सर बच्चा स्कूल जाने वाला होता है तो माँ उसे थाली देती है, आपने ये देखा होगा बहुत बार विज्ञापन, उसमें थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, सब कुछ थोड़ा थोड़ा रहता है और उसको कहा जाता है दूध दिया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। स्तनपान कराएं माता 6 महीने तक बच्चों को, इसका ऐड तो बहुत ज़्यादा ही प्रमोट किया गया कि आप इसे कराइए। एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए सबला नारी स्कीम के तहत 11 बरस से 18 बरस तक की कन्याओं को कई तरह के न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं, कई तरह के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें अपनी केयर करने के लिए कई तरह के आइडियाज़ दिए जाते हैं, ये सब बताया जाता है। इसके लिए तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर तक अपॉइंट किए जाते हैं, CDPOs, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर DDPOs भी होते हैं। तो इस तरह से सरकारें इसके बाद सिविल हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स, जैसे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस PIMS, इस तरह की संस्थाएं स्थापित की जाती हैं।
इस तरह से सरकार बहुत काम करती रहती है। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना को देख ले, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को देख ले, फिर सरकार के द्वारा बहुत सारी असेंशियल ड्रग्स मेंशन की जाती हैं जिन्हें एक लिस्ट में डाला जाता है, जिनको जिनके कि आपको रेट्स जो हैं वो सीमित ही रहते हैं, आप उन्हें दुकानों से लेंगे वो एक सीमित रेट में आपको मिल जाएंगी। तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली कुछ गोलियाँ देखें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, जैसे पैरासीटामोल की बात कर लें और बहुत सी ऐसी दवाई हैं सस्ती ही आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो इस तरह से सरकारें काम करती रहती हैं। आपको रोज़गार उपलब्ध कराना सरकारों की जिम्मेदारी रहती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलते हैं। जब तक आप योग्य हैं और रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन देना पड़ता है, जैसे कि बेकारी भत्ता देना पड़ता है। सरकारें इसके वादे करती हैं चुनाव से पहले कि हम आपको देंगे। केजरीवाल कहते हैं 5,000 देंगे, 3,000 देंगे बेकारी भत्ता, किसी किसी राज्य में कहते हैं 1,000 रुपया दिया जाता है, 1,500 रुपया दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है। विधवाओं को पेंशन की स्कीम सुनी होगी आपने, सीनियर सिटीजन्स को आपने, वृद्धों को पेंशन सुनी होगी आपने, उन्हें रेल में यात्रा करने पर किराया आधा लगता है, इस तरह की भी स्कीम्स आपने सुनी होंगी। इसके साथ साथ और बहुत सी योजनाएं आपको आज की डेट में बुढ़ापे पेंशन लगते हैं, आपको आज की डेट में बहुत सारी और सुविधाएं, चाहे आप विकलांग, अगर आप किसी तरह से दिव्यांग हैं तो आपको पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंसेस बहुत ईजिली मिल जाते हैं। कई तरह की सरकारी सेवाओं में, नौकरियों में आपको कोटा प्रोवाइड किया जाता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। ये सारी चीज़ों का कारण आपको शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं या फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, आप किसी भी कारण से आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स के लिए या फिर पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के माध्यम से सरकारें बहुत ही कम मूल्यों पर वस्तुएं प्रोवाइड कर दी है, जैसे कि आटा दाल स्कीम चलती हैं, आपको अंत्योदय अन्न योजना के तहत गेहूं मिलता है, दालें मिलती हैं, आपको चावल भी मिलता है, राशन की दुकानों पर किसी समय में चीनी भी मिलती थी, केरोसिन ऑयल भी मिलता था, कोयला भी मिलता था, और एक समय तक आपको सरसों का तेल, ये सब सारी चीज़ें मिला करती थी वहाँ से, इन्हें राशन की दुकानें यानी कि PDS सेंटर्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कहा जाता है। इस तरह से इन सभी बहुत हैं, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। अगर ड्यूटी में सर्व करते हुए या किसी सरकारी मुलाजिम की मृत्यु हो जाती है तो कंपैशनेट ग्राउंड पर उसके बच्चों को नौकरी दी जाती है, इसके ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं काम में, आपके घंटे निर्धारित किए गए हैं कि कितने घंटे एक शिफ्ट का काम होगा, 8 घंटे की शिफ्ट होगी, उसके बीच में लंच ब्रेक होगा, टी ब्रेक होगा। इसके अलावा ये निर्धारित किया गया है कि अगर ओवरटाइम लगाते हैं तो दुगनी पैसे देने होंगे। इसके अलावा ये है कि पेंशन और ग्रेचुटी फंड जुड़ना होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF आपका होगा और न्यू पेंशन सिस्टम NPS आपका होगा। इस तरह से आपके जीवन को सुनिश्चित मजबूत किया जाता है, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, आपको आपकी डिग्निटी प्रोवाइड की जाती है, ऐसे सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाती हैं सरकारें। सरकारों का इनमें काफ़ी खर्चा होता है और ये है क्या, एक तरह से वेलफेयर स्टेट की निशानियाँ। लेकिन अब हो क्या रहा है कि समय बीत जाने के साथ साथ अब हम देख पा रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि ट्रेड एंड कमर्स इकोनॉमी के नज़रिए से बहुत से इकोनॉमिस्ट इन बातों पर विचार करते हैं कि ये सब चीज़ें राज्य पर एक तरह का बर्डन है, ये स्टेट के एक्सपेंडिचर के ऊपर एक बोझ है। जैसे वो हमेशा सब्सिडी की खिलाफत करेंगे कि भैया आप LPG पे सब्सिडी मत दीजिए, आप फसलों पर सब्सिडी मत दीजिए, फर्टिलाइज़र्स पर सब्सिडी मत दीजिए, तो इस तरह से वो तर्क देंगे कि ये एक तरह से स्टेट पर अनड्यू बर्डन है। या फिर किसी भी तरह से अगर आप कोई पेंशन सिस्टम या इस तरह की चीज़ों में, एजुकेशन के क्षेत्र में आप अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये माना जाएगा कि ये चीज़ें बर्डन है, बेहतर है कि इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि वो खुद ही इन सेवाओं को कंज्यूम कर सकें। किसी को 400 रुपये की सब्सिडी देने के बजाय उसे योग्य बनाएं कि वह 1,000 रुपया कमा ले तो 400 रुपये का खर्चा खुद निकाल देगा। तो विश्व भर में एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सिनेरियो, एक कैपिटलिस्ट टेंडेंसी और एक टेंडेंसी टू यील्ड प्रॉफिट्स, सरकारों को कर्जे से बाहर लाना, सरकारों को प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाना, इन सब चीज़ों को लेकर के एक मुहिम चली रहती है हमेशा से, और जिसके तहत ये कहा जाता है कि सरकार अपने इन खर्चों को घटाए। सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों से धीरे धीरे पीछे हटती है, आपको नज़र आता है, सरकार कई तरह के तर्क यहाँ पर देगी और वो आपको नज़र आएगा कि सरकार फिर धीरे धीरे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर के आती है, वो कंपनीज इंश्योरेंस अवेल करा करके देंगी आपको,
सरकार ये लेकर के आती है कि ठीक है हमने देखा कई तरह की लीकेजेस थी इस सिस्टम के तहत, हम क्या करेंगे आपके खातों में सीधे सीधे सब्सिडी डालेंगे। लेकिन इसके माध्यम से होना ये नहीं चाहिए कि समस्या पैदा हो जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुछ सालों पहले तक भारत में आपको एक डीलर से ही, एलपीजी डीलर से ही सिलेंडर 450-450 का मिलता था, सरकार सब्सिडी उसको देती थी। अब मान लीजिए कि यही सिस्टम चलता रहता और मैं आपको पूछता हूँ, अगर आज इस समय में सिलेंडर की कीमत मान लीजिए कि 980 रुपये चल रही है, 930 से 980 रुपये कहीं भी लाई कर रही होगी, और इस समय में सपोज़ कीजिए कि सिलेंडर आपको 980 रुपये का उसी डीलर से मिलता, 450-450 का सिलेंडर ले रहे लोग अगर 950 का सिलेंडर लेते, मैं गारंटी करता हूँ सड़क सड़क पर धरना प्रदर्शन होता, उस डीलर के बम्बू तंबू सब उखाड़ दिए जाते, काम खत्म हो जाता। तो पहले क्या हुआ, पहले आपके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा डालना शुरू किया गया, आपका एलपीजी खाता आपके आधार कार्ड और आपके बैंक अकाउंट के साथ जोड़ दिया गया। तो आपके खाते में आपको क्या करना है, सिलेंडर पूरी कीमत में लेना है और जो सब्सिडी है वो आपके खाते में आएगी। अब धीरे धीरे दो चीज़ें हुई, सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ गई और सब्सिडी की मात्रा घटते 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 जीरो हो गई। अब खाते में सब्सिडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, आती नहीं, 10-15 रुपये कुछ आती होगी और सिलेंडर कीमत 960 है। समझ में लोगों के अब ये नहीं आता कि प्रदर्शन किसके घर के बाहर जाके करें, प्रदर्शन किस दुकान के बाहर जाके करें। तो सभी लोग असंगठित हो गए। पहले जिन जिन लोगों की भी उस गैस कंपनी के पास कापियाँ हैं, सभी कापी धारक उस गैस कंपनी के पास जा करके प्रदर्शन करते। मान लीजिए उस गैस कंपनी के पास 10 मोहल्ले हैं, तो 10 मोहल्ले के लोगों को यूनिफाई करना, एक फोर्स के तौर पर यूनिफाई करती वो एक दुकान जहाँ से सिलेंडर आ रहा है, तो सब उसके बाहर जाके प्रदर्शन करते। लेकिन अब सिलेंडर तो सीधे सब्सिडी सरकार से आ रही है, सरकार तो कहीं दिल्ली में रहती है, तो सब लोग कैसे एक दूसरे को कॉल करें, कैसे मिलें, कैसे जुटें, कैसे उसका विरोध करें, कैसे एकत्र हों, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो कोई विरोध उस लेवल पर है भी नहीं। और वही लोग हैं जो पहले एलपीजी सिलेंडर 10 रुपये बढ़ने पर इतना हो हल्ला उस सिलेंडर वाले के बाहर घेराव कर लेते थे, और वही लोग हैं जो आज एलपीजी सिलेंडर ऑलमोस्ट दुगने से भी अधिक रेट पर चला गया है, समझ में नहीं आ रहा कि विरोध करें कहाँ, विरोध किसके सामने करें। ये एक कहानी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक बहुत अच्छी क्रांति है, क्योंकि ये लीकेजेस को रोकता है, वेस्टेज को रोकता है, सब्सिडी की चोरी को रोकता है। ये बहुत बेहतर क्रांति है। मैं डिजिटलाइजेशन के, डिजिटल माध्यम से दी जाने वाले सपोर्ट्स के, इनोवेशन और क्रिएशन के ऑलवेज सपोर्ट में, और इतना सपोर्ट में हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये कभी भी, मैंने बार बार समझाया, चालाकी का रीज़न नहीं बनना चाहिए। आप लोगों, आप पहले कोई लीकेजेस करता था तो आप डीबीटी लेकर क्या है, आप खुद थोड़ी ना लीकिंग एजेंट बन जाएंगे। बात समझिए, आप ही डीबीटी का बेनिफिट, अपने डीबीटी का बेनिफिट, डीबीटी किसके लिए था, कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने के लिए। डायरेक्ट बेनिफिट किसको जा रहा है अब, इट इज़ नॉट गुड। मुद्दा यहाँ पर यह है कि आपको स्पष्ट रखना, और ये लोगों के सामने स्पष्ट भी नहीं है कि एलपीजी पे आज की डेट में सब्सिडी है कि नहीं है, है तो कितनी है, आती है खाते में कि नहीं आती, ये किसी को क्लियर नहीं है, क्योंकि प्रश्न नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। आई बात समझ में? अगर आप मंत्री से पूछेंगे, पेट्रोलियम मिनिस्टर से, कि भाई आप 103 रुपये से 104 रुपये हो गया पेट्रोल, तो ये कितना चला जाएगा, मतलब कहाँ तक जाएगा, तो वो आपको समझाएंगे कि ठीक बात है, कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन 85 करोड़ लोगों को सरकार पेंडेमिक के दौरान मुफ्त में अनाज और खाना देती रही, वो कहाँ से आएगा। ये जवाब नहीं होता है किसी चीज़ का। अगर यह सत्य है, यह सच है, मैं इस पर कोई ना, मैं नहीं कहता दिस इज़ रॉन्ग, इफ़ दिस इज़ करेक्ट, तो ये फिर ऐसे इतना ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। आप एक डेटा लेकर के आएँ, प्रेजेंट करें कि भाई इतने समय तक, इस डेट से इस डेट तक, इतने महीने, इन वेंडर से इतना अनाज उठा करके इन होल्डर्स को दिया गया, जिसका कुल खर्चा इतना आया, और डीजल और पेट्रोल पे बड़ी कीमतों से हमको इतनी कमाई हुई, और ये खर्च हुआ या कमाई हुई है, तो ये इस तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, ताकि देश के लोगों को भी ये महसूस हो कि वो उन लोगों के भोजन को डोनेट कर रहे हैं। क्योंकि माहौल ये बनाया जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने 85 करोड़ लोगों को जो है वो भोजन दिया, और जब सवाल ये पूछा जाता है कि पेट्रोल इतना को कीमत महंगा हो रही है, क्योंकि कीमत ग्राहक बढ़ रहा है, तो कहा यह जाता है कि उन भूखों को जो खाना दिया गया वो कहाँ से देते। तो फिर जब वोट मांगेंगे तो आप मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं कि उन्होंने किया, मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया, कभी मनमोहन सिंह होते या कभी राहुल गांधी होते, हम किसी के स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे,
नाम वहाँ पर पर्सनलाइज चलेगा, और जब कीमतें बढ़ाने की बात यह है तो आप एक्नॉलेज खुद कर रहे हैं कि पैसा आप ही देंगे तभी हम करेंगे। तो वहाँ पर यह कहें कि देश की जनता ने देश के 85 करोड़ लोगों को भोजन दिया मुफ्त में, और वहाँ पर रैंडमली देश की जनता की फोटोएं लगा करके प्रचार किया करें आप। देश की जनता को भी गर्व महसूस हो, गौरव महसूस हो। मैं इसके समर्थन में, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि देश ऐसे नहीं चलता, ऐसा नहीं करना, क्यों नहीं करना है, बिल्कुल देश ऐसे चलता है। प्रधानमंत्री एक तरह से हम ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हमारा ही चेहरा है, तो हमारे चेहरे के रूप में उन्हीं का चेहरा लगाना जरूरी नहीं है, हमारा भी लगा सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है। रावण को प्रतिबिंबित करने के लिए हर दशहरे पर हम उसका कैसा भी चेहरा बना देते हैं, तो प्रधानमंत्री को ही दिखाने के लिए किन्हीं भी 10-12 रैंडम लोगों की उठा करके चेहरे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सारे देश को अगर वो कहते हैं मैं 125 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो 125 करोड़ देशवासियों में से हर बार 10 लोगों की शक्ल लगा दिया करो। इससे लोगों में गर्व की भावना पैदा होगी कि लोग ही लोगों को खड़ा कर रहे हैं, लोग ही लोगों को समर्थन कर रहे हैं, और एक व्यवस्था है कि ये करेंगे वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो प्रतिनिधि वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से सब्सिडीज वगैरह रहती हैं। मैं बात यहाँ पर समझा रहा था कि ये होता है वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट, इस तरह से सरकारें आगे आती हैं और आपको मदद करती हैं। मदद करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि सरकारें एक तरह से कंडक्टर हैं जो आप ही से चीज़ें जाएंगी और वो आप ही तक आएंगी, उसे ऑर्गेनाइज करने का काम सरकार के ऊपर रहता है। सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार गवर्न करती है उन सभी प्रोसेसेस को। सरकार गवर्नमेंट वर्ड इसलिए यूज होता है, इट इज़ द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, ऑफ द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसीज, इट इज़ द गवर्निंग अथॉरिटी। ओके, सो गवर्नेंस इज देयर। अब कंसेप्ट ये है कि ये हो क्यों रहा है कि वो खत्म करते जा रहे हैं। खत्म करते जाने का मतलब क्या है? आपने ये चीज़ देखी होगी पैंडेमिक के बाद अचानक से कई राज्यों ने, भारत के कई राज्यों ने फटाफट अपनी अपनी विधानसभाओं में ये कानून पास किए कि हम बड़े हद तक नरमी बरतने जा रहे हैं लेबर लॉस के साथ, हम काफ़ी लेबर लॉस के साथ नरमी बरत देंगे। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो बहुत ईजिली हायर एंड फायर कर सकता है, यानी कि जब आवश्यकता है आप हायर करें, जब आवश्यकता कोई बात नहीं आप फायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत ईजिली फाउंड्री लगाई जा सकती है और वाइंड अप भी बहुत क्विकली कर लोगे, कोई हम नहीं रोकेंगे आपको, दिक्कत नहीं करेंगे। टैक्स लॉज में बहुत सारी एग्जम्पशंस आपको दी जाएंगी, तो बहुत सारे नियमों में नरमी बरती गई यह तर्क देकर के कि हम ये चाहते हैं कि पैंडेमिक की वजह से बेरोजगारी बहुत हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो, इसके लिए निवेश चाहिए, इसके लिए नए नए उद्योगपति चाहिए, नए नए उद्योग धंधे चाहिए, और उसके लिए उद्योगपतियों को यह दिखाना होगा कि उनके लिए मुनाफे का अवसर है, उन्हें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना नुकसान का सौदा नहीं है, उन्हें लाभ होगा, और इसके लिए हम ये कानून ला करके लेबर लॉज को नरम कर रहे हैं। ये लेबर के ही फायदे में है, क्योंकि लेबर होगी तो लेबर लॉज होते हैं। इन सख्त लेबर लॉज की वजह से यदि कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं, तो फिर जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं तो फिर कोई वर्क ही नहीं, तो जब कोई वर्क ही नहीं तो वर्कर ही नहीं, लेबर ही नहीं, और जब कोई वर्कर या लेबर ही नहीं तो काहे के लेबर लॉज, घर में बैठे बैठे तो किसी को लेबर लॉ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये तर्क दिया, चाहे वो योगी आदित्यनाथ थे, चाहे राजस्थान की सरकार थी, चाहे कोई भी था, तो लेबर लॉज नरम की। तो एक तरह से आपने जो सोशल राइट्स हैं उनको कमज़ोर किया, उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया। आई बात समझ में? आपने सोशल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया, कम किया। क्रिटिक्स ने आप पर आरोप लगाया कि विदेशी कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए ये किया, या आप पर आरोप लगाया कि जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनको फ़ायदा देने के लिए ये किया कि वो उद्योग धंधे लगा सके। पेंडेमिक की आड़ में ये किया जा रहा है, ये लाभ उनको दिए जा रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा कितने समय तक ये लॉज कमज़ोर रहेंगे या सस्पेंडेड रहेंगे, ये नहीं बताया जा रहा। ये नहीं बताया जा रहा कि भाई कितने लाभ तक एक कंपनी इन सस्पेंडेड नियमों का फ़ायदा उठा सकती है और कितने लाभ के बाद फिर उन पर वापस लागू हो जाएंगे। ये नहीं बताया जा रहा कि लेबर और वर्कर के राइट्स फिर कहाँ से आएंगे, उनको सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी। लेकिन सिंपली ये कर दिया गया रोज़गार पैदा करने के नाम पर, ऐसी बात कही गई, जबकि ये कहा गया कि रोज़गार का नियम और कारणों से भी पैदा हो सकते थे। आप इलेक्ट्रिसिटी पर चार्जेस जो हैं उनको मैनेज करिए, उन्हें कम करिए, इलेक्ट्रिसिटी लीकेजेस को ख़त्म कराइए, उसकी प्रोडक्शन को मैनेज करिए। सेम प्रोडक्शन में ही ज़्यादा सप्लाई दे सकते हैं अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की लीकेजेस को पकड़ लेते हैं। आप नए नए इक्विपमेंट्स बेटर इंस्टॉल कराइए और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ा दीजिए पावर की। आप जो भी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उन्हें और ज़्यादा बेटर करिए, लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट्स अपने आप आ जाएंगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर बनाइए
ताकि ट्रकों को आने जाने में, व्यापारियों को काम धंधा करने में सहूलियत महसूस हो, तो वो नेचुरली प्रोडक्टिविटी फेस करेंगे तो वो वहाँ पर आएंगे। आपको बशर्ते इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, आप सीधे सीधे लेबर लॉस को कमज़ोर करके उन्हें लाभ दे रहे। मैंने आपको दोनों बातें बता दी, एक वो जो सरकार का तर्क है, वो जो क्रिटिक्स है। मुद्दे की कहानी ये है कि समय बदलता जा रहा है और समय के बदलने के साथ साथ एक ग्लोबलाइजेशन है, और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का ही बनता है। ये वही ग्लोबलाइजेशन है जिस ग्लोबलाइजेशन के तहत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी सरकारों में अपने मेंबर घुसेड़ करके, अपने एजेंट घुसा करके लॉबी करती हैं, आपकी संसदों में, आपकी लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में लॉबी करती हैं। और उन लॉबीज का पर्पज़ ये रहता है कि आपके देश में कानून या तो नरम हो जाएँ, या तो कमज़ोर हो जाएँ, या ख़त्म ही हो जाएँ। जो कानून किनके हित में बनाए गए हैं, लेबर और वर्कर के, वो कानून, ताकि वो MNCs आपके यहाँ पर अपना सेंटर लगा सकें, फैक्ट्री या फाउंड्री लगा सकें, और उन्हें यहाँ पर नरम नियम दिखेंगे, लेबर लॉस कमज़ोर नज़र आएंगे, तो वो यहाँ से ज़्यादा मुनाफा देखती हैं, तो वो यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगी। वो आपको कैपिटलिज्म की कहानी सुनाएंगी, वो आपको मुनाफे की कहानी सुनाएंगी, वो आपको ये दिखाएंगी कि आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी निवेश में, वो आपको समझाएंगे कि हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, यहाँ पर इतना रोज़गार पैदा करके देंगे, हम आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी देंगे, और आपके लोगों को हम स्किल्ड भी बनाएंगे। तो ये सब जिम्मेदारियाँ जब हम निभाएंगे, जो कि आपको निभानी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लाना था, आपको पावर डेवलप करनी थी, हम पावर इन कैप्टिविटी करेंगे, हम कैप्टिव पावर प्लांट डेवलप करेंगे, हमने आपको मुक्त किया, स्किल्ड आपको बनाना था, स्किल्ड हम बनाएंगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड से हम आपको, आपके यहाँ पर स्कूल शिक्षण संस्थान भी खोलेंगे। जब ये सब हम कर रहे हैं, तो आप ही भी हमारी सहायता करिए, इन नियमों को नरम करिए, तो वो करते हैं। सरकारें मजबूर हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर हम चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे क्रूड है, ऑयल सीड्स मैंने आपको बताया, एडिबल ऑयल और बाकी चीज़ें, जिसके लिए हमें अच्छे खासे फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन रखने पड़ते हैं, ताकि हमारे लोग जब बाहर से क्रूड का शिप मंगाएं, तो वो हमारी सरकार को इंडियन करेंसी दे करके यहां से फॉरेन डॉलर ले सके। आप जो मनी एक्सचेंजर के पास चले जाते हो, जिसके बाहर पीले पीले बोर्ड लगे रहते हैं बहुत सारे, उसके दुकान में घुस करके उसे $1,000 दे देते हो, और बदले में उससे 60-70 हज़ार रुपये ले लेते हो, या 60-70 हज़ार रुपये दे करके $1,000 ले लेते हो, ले दे करके इस $1,000 की यात्रा कहीं वहीं ख़त्म होगी जो सरकार है, ये वहीं चले जाना है। आई बात समझ में? ये वहीं से इशू हो रहा है, वहीं से आ रहा है। फॉरेन रिजर्व जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स, तो अल्टीमेटली जितना ज़्यादा आएगा हमारे देश में, वो उद्योगपति ये तर्क देते हैं सरकारों को, सरकारों को भी नज़र आता है कि जितने अधिक आएंगे, उतना ईजिली हम इम्पोर्ट्स अपने सपोर्ट कर पाएंगे, उतने ईजिली हम जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विदेशों से मंगा रहे हैं उनकी कीमत डॉलरों में पे कर पाएंगे, क्योंकि डॉलर तो हमारे पास होंगे ही। इसके लिए हमारे यहाँ पे विदेशी निवेश आना ज़रूरी है, हमें वो इन्वेस्टर्स लेकर के आने हैं किसी भी कीमत पर। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बहुत ज़्यादा हद तक ये सोशल राइट्स कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। मतलब आप ही के देश में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा SEZ, और वो आपके देश की टेरिटरी में काउंट नहीं किया जाएगा, वो कहा जाएगा इट इज़ लाइक अ फॉरेन प्लेस। तो इसका मतलब आपके लॉज भी पूर्ण रूप से उस पर लागू नहीं हो रहे, पर्पस उसका यही है। कई सारे टैक्सेस से उन्हें छूट दी जाती उन उद्योगपतियों को, तो उन्हें टैक्स हैवन भी कहा जाता, सॉरी टैक्स हॉलीडे पीरियड दिए जाते, टैक्स हैवन ही टैक्स हॉलीडे पीरियड दिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये एक उदाहरण है। कई बार सरकारें अपने घाटे घटाने के लिए, अपने मुनाफे बढ़ाने के लिए, रोज़गार देने के नाम पर बेहतर सड़कें, बेहतर जीवन, घर, फूड, इन सब चीज़ों को देने के नाम पर बहुत सारे सोशल राइट्स आपके कम कर देती हैं। जैसे कि छात्रों की स्कॉलरशिप का ही विषय ले लें आप, पहले कॉलेज के लेवल पर कॉलेज को दे दी जाती थी, फिर छात्रों को दी जाने लगी, धीरे धीरे उसको घटाया जाने लगा, माइनॉरिटी को भी स्कॉलरशिप्स आती थी PhD और बाकी चीज़ों के लिए, धीरे धीरे वो भी घटा दी गई, मिसयूजेस होते रहे, सरकारों को नुकसान होता रहा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी चीज़ को बंद कर देना मिसयूज का नाम दे करके, ये उससे भी बड़ा मिसयूज होता है अपनी पावर का। वो मिसयूज हो रहा था, उसका कारण भी आप ही थे, तो मतलब आप ही की सरकार के पदों पर रहते हुए लोगों ने लाभ कमाए और उस चीज़ को मिसयूज किया, और उनकी गलती की वजह से जो लोग रिसीविंग एंड पर बैठे हैं, यानी कि वो जो लोग हैं जो PhD या कोई चीज़ करना चाहते हैं, उनको आपने मदद देनी बंद कर दी, क्योंकि क्राइम किसी और ने किया था। आपकी सरकारें कंप्लायंस नहीं करा पाईं कि वो लीकेजेस ना हो, मिसयूज ना हो, इसकी वजह से वो हुई मिसयूज, और अल्टीमेटली आपने एक अच्छी चीज़ को बंद करा दिया। सही बात है ना? एक अच्छी चीज़ को बंद करा दिया आपने, ये तो गलत चीज़ है।
तो ऐसे तर्क नहीं होने चाहिए, आपको बेटर वेज बेटर रूट फाइंड आउट करने चाहिए। लेकिन ये आज की डेट में हो रहा है। धीरे धीरे एक समय में सोशल राइट्स बड़े पैमाने पर आगे आए, 1917 की रशिया की क्रांति के बाद, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद सोशलिस्ट टेंडेंसी स्ट्रांग होने लगी थी। फिर धीरे धीरे उस समय में कैपिटलिज्म कंट्रोल हुआ, लेकिन फिर वर्ल्ड वार टू के बाद से और आज खास तौर पर 1991 के बाद से विश्व भर में अगर हम देखें तो फिर से एक तरह का नया दौर कैपिटलिज्म का उभर के आ रहा है। MNC कल्चर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इन्वेस्टर पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर बनाने की बात हर बार हो रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि सभी समस्याओं का हल जो है वो रोज़गार होगा, सभी समस्याओं का हल जो है वो इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सब कुछ अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। सरकारों को अब इन सब क्षेत्रों से निकलना है। सरकार कोई चीज़ की प्रोवाइडर नहीं हो सकती, सरकार किसी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकती, सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि वो ऑर्गेनाइज़र होगी। इसलिए सरकार आज की डेट में बड़े पैमाने पर खुद को खेती से बाहर निकाल रही है। खेती से बाहर निकालने के मामले में सरकार ये तर्क देती है कि इंडिया में इस समय बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन द अफेयर ऑफ एग्रीकल्चर खुद अपने आप में गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट एक यहाँ पर बिजनेसमैन, एक ट्रेडर, एक व्यापारी की तरह काम कर रही है। पहले गवर्नमेंट सारा का सारा अनाज जो है वो किसानों से लेती है, फिर उस अनाज को लोगों तक पहुँचाती है, देती है, बाज़ारों में आता है। ये ठीक नहीं है, सरकार को ये करना ही नहीं चाहिए। ये काम फ्री मार्केट में होना चाहिए जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट चलता है। सरकार को अच्छे लॉज देने हैं, सरकार को ट्रांसपेरेंसी लेकर के आनी है, बेटर मार्केट मैकेनिज्म एग्जीक्यूट हो, इसके लिए सरकार को नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर देना है। सरकार को यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजर बनना है, गवर्निंग अथॉरिटी बनना है, सरकार को मेन प्लेयर, डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेसमैन या ट्रेडर नहीं बनना है। सरकारें ये तर्क दे रही हैं आज की डेट में बड़े पैमाने पर पूरे विश्व भर में, और सरकार अपनी सामाजिक दायित्वों से, सरकार इन सोशल राइट्स को धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही हैं, ये हमारे सामने नज़र आ रहा है। आई बात समझ में? यहाँ पर पूछा था डिफरेंट स्टेट्स डूइंग अवे विद सोशल राइट्स, वाई, ये कंसेप्ट ये था। इसके और मायने पूछे जाएंगे कभी कि भाई क्या बदलते समय के साथ इसकी आवश्यकता आन खड़ी है कि ऐसा होना ही चाहिए, हम तब भी समझाएंगे। कौन सा ये आखिरी किताब है और कौन सा ये आखिरी क्वेश्चन है? समय आने के साथ और किताबें पढ़ेंगे, समय आने के साथ और क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट दे दिया, आप उसे समझ जाएं। डज द एग्जिस्टिंग डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द फैमिलीज इम्पैक्ट, किस चीज़ को इम्पैक्ट करना चाहते हैं? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं क्वेश्चन को कम्प्लीट करता हूँ। वो क्या है? क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, वो ये है, व्हाई डू यू थिंक दैट डिस्पाइट द राइट टू वोट एंड द राइट टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिसेज, वुमेन आर सो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड? Will power in its wider sense be a useful concept to understand this underrepresentation? Or does the existing division of labor within the families impact this? तो ये question है और उसके दो बिंदु हैं। Okay? ये बताया जा रहा है कि जब अच्छे खासे voting right मिल चुके हैं, आज महिलाएं भी पुरुषों के समान ही नागरिक हैं और उनके पास पूरा का पूरा right है to stand for the public offices। फिर भी वुमेन बहुत ही इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, वो ना तो राजनीति में नज़र आती है ना दफ्तरों में नज़र आती है। इसका कारण क्या है? कि विल पावर की कमी है। क्या विल पावर को अगर हम वाइडर सेंस में समझे तो वो इस अंडर रिप्रेजेंटेशन का कारण है? और या फिर फैमिलीज में जिस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर है मेल एंड फीमेल की, वो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए? इस क्वेश्चन को इस कॉन्टेक्स्ट में हमें डील करना है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को समझने की प्रक्रिया यह है। क्वेश्चन क्या है बेटी महक? क्वेश्चन ये है कि जब महिलाओं को भी नागरिकता दे दी गई समान, यानी कि राइट टू वोट है, राइट टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिसेज भी है, आप IAS की तैयारी कर रही हो ना, IAS लेवल की पोजीशन के लिए एग्जाम देने का आपको बीइंग वुमेन राइट है ना भाई? उल्टा पंजाब PCS में तो अब आपको पंजाब ने वुमेन कोटा भी दे दिया है, तो आपके पास वो एक डबल राइट आ गया, मतलब एकदम आपके बराबर मैं खड़ा हूँ, मैं मेल हूँ और आप फीमेल हैं, इस नाते ही आपको उम्र में एक रिलैक्सेशन मिल गई, अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन, अब आपके पास कोटा है बीइंग फीमेल, तो उल्टा ज़्यादा राइट दे दिया है आपको टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस, फिर भी अंडर रिप्रेजेंटेशन। को ये क्वेश्चन है कि वुमेन इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं फिर भी मंत्रियों के पदों पर। अभी पंजाब सरकार में पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा अपने कैबिनेट का गठन किया गया,
उसमें कितनी महिलाएं थीं? एक महिला मंत्री रजिया सुल्ताना, उन्होंने भी अभी अपना इस्तीफा दिया हुआ है, क्योंकि पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस्तीफा दिया हुआ है, और रजिया सुल्ताना जो है उनके जो हस्बैंड हैं रिटायर्ड डीजीपी जो हैं वो सलाहकार हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, समझ में आई? इसके अलावा मुझे बताएं महिलाओं कैबिनेट में कहाँ जगह है? पंजाब में क्या महिलाएं नहीं हैं? वुमेन एग्जिस्ट नहीं करती क्या? फिर ढूंढिए पंजाब विधानसभाएं में महिलाएं कितनी हैं, फिर ढूंढिए भारत की संसद में महिलाएं कितनी हैं, और ढूंढिए कि इंडिया के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में वुमेन कितनी है? वुमेन नाम बताइए, एक वुमेन का नाम तो रोज सुनता है, निर्मला सीतारमन, पहले सुषमा स्वराज हुआ करती थी, नजमा हिप्तुल्ला भी थी, लेकिन मुझे बताइए और वुमेन मुझे बताइए कितनी है, टोटल वुमेन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। ये एनसीईआरटी की तरह ये मैंने भी आपको होमवर्क दे दिया, पता लगाओ नेशनल सेंट्रल कैबिनेट में वुमेन कितनी है और आपके स्टेट के कैबिनेट में वुमेन कितनी है, गो एंड फाइंड आउट व्हाई। क्या वुमेन को इलेक्शन लड़ने के राइट नहीं है? पॉलिटिकल राइट है भाई, वुमेन वोटर भी है और इन चुनाव के लिए खड़ी भी हो सकती है, वुमेन को पब्लिक ऑफिसेज में आने का राइट भी है। हाँ, लेकिन आईएएस में शुरुआती टॉप 10 में, टॉप 100 में आप देखते हैं वुमेन नज़र आ रही है, आपको समझ लगता है बहुत ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन है। टोटल वैकेंसी में से वुमेन ने कितना फिल किया ये भी देखना ज़रूरी है, जाके देखिएगा। टॉप 10 में 4 वुमेन है, 5 वुमेन है, आपको लगता है वुमेन बहुत आगे आ रही है, बट अब टोटल सिविल सर्विसेज में वुमेन कितना है उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए। कितनी ऐसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं जो आपने सुना होगा कि ये वुमेन है? जलंधर का, पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, बताएं कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वुमेन है भाई, मुझे बताएं। और कितनी ऐसे डीजीपी हैं जो वुमेन है बताएं, कितनी आईपीएस वुमेन है बताएं। तो ध्यान से देखने योग्य है सब चीज़ें। तो जब राइट टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिसेज आज आपके पास हैं, आपके पास लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे हैं, नहीं राइट्स तो दे दिए गए, एंटाइटल्ड तो आप बहुत चीज़ों को कर दिए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे समान नागरिकता है, एक नागरिकता है ना, सिंगल सिटीजनशिप है, संविधान है, और सभी के फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी को सरकार ने अधिकार दे दिए हैं, तो फिर उसमें भेद नहीं है लिंग के आधार पर मेल फीमेल में। ऐसे में भी वुमेन जो है अंडर रिप्रेजेंटेड है, उसका कारण पूछा गया कि क्या है, क्या विल पावर को अगर यहाँ पर वाइडर सेंस में देखा जाए, विल पावर को आप नैरो सेंस में देखेंगे तो आप ये कहेंगे कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी में भी कॉमन सेंस वाला वो कंसेप्ट चैप्टर 1, तो फिर आप ये कहेंगे वुमेन लेथार्जिक है, इसकी इसमें विल पावर की कमी है। अक्सर आप कहते हैं ना इसमें विल पावर की कमी है, ये अक्सर आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं उन बीमार लोगों को, आप कहते हैं ना विल पावर ही है जो तुमको ठीक कर सकती है, अपनी विल पावर का यूज़ लो। अब यार हड्डी टूटी है, टांग टूटी हुई है, और विज्ञान का सिद्धांत कहता है कि भाई हड्डी टूटी है चल कैसे लेगा, वहाँ पे तुम कहो विल पावर है, विल पावर है चल, नाना पाटेकर की तरह, तो विल पावर के चक्कर में तुम उसके अंदर ईगो जगा दोगे, वो अब विल पावर नहीं होगी, वो ईगो हो जाएगी, अहम भाव, इस ईगो के चक्कर में वो आदमी उठने चलने लगेगा, गिर के हो सकता है सिर भी पड़वा ले, और अब वो लेटर रहेगा, वो पूछे क्या कर रहा था, विल पावर का प्रदर्शन कर रहा था, नंगा नाच कर रहा था, झूठा प्रदर्शन कर रहा। ये लोग क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं, ये विल पावर का वाइडर एस्पेक्ट, उसे तुम चलने के लिए कहोगे विल पावर ये है कि वो दिव्यांग है और उसकी लेग में प्रॉब्लम है, आप उसे स्टैंड लगवा के दें, मेडिसिन दे रहे हैं और आपको डॉक्टर ने कहा है कि सहारा देकर के चल सकता है, अब ज़रूरी है तो सिर्फ इसकी विल पावर, इसको कोई अपना विल पावर यूज़ करे और चले, वहाँ पे आप उसे मोटिवेट करो कि यार गेट अप विल पावर का यूज़ करो, फिर तो वो खड़ा हो चले, है बात। ये तो हुई विल पावर, लेकिन वो नैरो सेंस में थी, ये अब ये वाइडर सेंस में है, मतलब उसको अपलिफ्ट कर दिया, सपोर्टिव इक्विपमेंट दे दिए, उसको मेडिसिन दे दी, एक ग्राउंड अवेलेबल कर दी है, अब खेलना उसका अपना रोल है कि खेलना है कि नहीं, वहाँ परफॉर्म करना है कि नहीं। तो इस वाइडर सेंस में पूछा गया है कि भैया विल पावर यहाँ पर वाइडर सेंस में देखा जाए तो एक रोल प्ले कर रही है अंडर रिप्रेजेंटेशन का, बिल्कुल विल पावर यहाँ रोल प्ले कर रही है। विल पावर का अर्थ है नहीं कि औरतें आगे आना नहीं चाहती, औरतें लेथार्जिक हैं, औरतें फूहड़ जैसा कहा जाता है, इनमें अकल कहाँ है, फूहड़ हैं उनमें, वो बुद्धि नहीं है, ये कहाँ से देश चला लेंगी,
और आज दिन तक गुणगान सारे इंदिरा गांधी का करते रहते हैं कि सबसे मजबूत भारत की नेत्री थी, मजबूत नेत्री के तौर पर एक प्रधानमंत्री थी, मजबूत हुई, ईस्ट पाकिस्तान कटा के बांग्लादेश बना दिया, इमरजेंसी लगा दी, अच्छे अच्छे नेता टांग दिए, तो फिर याद भी उनको ऐसे करते हैं। सुषमा स्वराज के बारे में शेरनी की तरह गरजती थी। तो मुद्दा ये है कि फूहड़ है, कमज़ोर है, अज्ञानी है, बेवकूफ़ है, ये कहाँ से आ गया, इसमें कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है, ये विल पावर वाली लाइनें नैरो हैं, ये नेगेटिव। इस वजह से इसको विल पावर का ऐसे मत लो, विल पावर यहाँ इस सेंस में कि इतने लंबे समय से जो एक डोमिनेशन किया गया है वुमेन का, उसको डोमिनेट किया गया है घर के स्तर पर, उसका सप्रेशन हुआ है घर के स्तर पर, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की गई वहाँ पर। तो जब वो एजुकेटेड ही नहीं है, ध्यान से सोचिए, एजुकेटेड ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जब कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है वहाँ पर, तो उसमें विल ही नहीं है इलेक्शन में कंडक्ट खड़े होने की, क्योंकि शी इज फीलिंग सो इन्फीरियर कि व्हाट शुड आई डू, मैं करूँगी कहाँ वहाँ पर, मेरा वहाँ पर होगा क्या भाई, मुझे तो पता ही कोई नहीं, दूसरा घर से बाहर कभी पैर ही नहीं रखा गया है। अभी कुछ सीरियल अभी चलाए जिसमें अचानक से पति की मौत हुई, एक औरत को उसका ओहदा मिल गया मुख्यमंत्री, दिखाया, अभी सीरियल चला था, अमेजोन पे चला, पता नहीं कहाँ मैंने देखा, चला है, और उसमें शुरुआती तौर में तो कुछ कहना आता बता भी नहीं लगता, लेकिन एकदम से वो इतनी सशक्त हो जाती है कि फिर बाकी लोगों को वो फिर सेट कर देती है। ऐसा एक बात बताऊँ आपको, पता है इंदिरा गांधी को भी कभी गुड़िया कहते थे, जब शुरुआत में इंदिरा गांधी को इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री बनाया ना, तो जो मेन पर्सन थे उनके ग्रुप को सिंडिकेट कहते थे, तो सिंडिकेट तब वाले कहते थे अरे अपनी गुड़िया को बना दो, प्रधानमंत्री गुड़िया को बना दो, गुड़िया के जरिए काबू रखेंगे सारे देश पे यार, ऐसी क्या बात है, और अपना नेहरू गांधी लिगेसी भी आगे बढ़ती रहेगी, है कि नहीं, अपना नेहरू की बेटी है और अपना फिरोज गांधी की वाइफ है, सब मेंटेन रहेगा। गुड़िया जब पावर में आई, उनने इनकी गोटियाँ उड़ा दी पूरी, तब देख रहे कहते कौन है भाई, गुड़िया क्या हो गई, गुड़िया तो ऐसा गुड्डा हो गई, समझ में नहीं आ रहा, हमारी गुड्डियाँ उड़ा के रख दी, तो कहाँ चले गए वो कांग्रेस के नेता, कुछ पता ही नहीं चला, अपना ही इन्होंने, इंदिरा गांधी ने अपनी ही कांग्रेस बना करके अपना सिस्टम आगे चला दिया, दिखाया इसी को आधार बना के आज कई वेब सीरीज बन रही हैं कि उन्होंने स्वयं को स्वाधीन किया, उस अधीनता से मुक्त किया, मजबूत कर लिया, जाने क्यों, क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ अनुभव ले रही थी, वो अलग अलग फील्ड में काम करती रही थी, वो एजुकेटेड थी, फिर इतने लंबे समय से कांग्रेस के वर्कर फिरोज गांधी उनके पति थे, तो उनको वो सशक्तिकरण मिलता रहा, जैसे ही माहौल मिला वो फूल वो बीज एक वृद्ध पौधे में पनप गया, फिर वो रुका नहीं। तो यहाँ पर अब जब मैं विल पावर की बात कर रहा हूँ, घर से कभी बाहर निकलने नहीं दिया, घूंघट उठाने की अनुमति कभी दी ही नहीं, और ऐसे में जब घूंघट उठाया है पहली बार तो सब एकदम सफ़ेद सफ़ेद पोशाक में इतने लोग खड़े बाहर देख रहे हैं, कहते अब ये चलाएगी हमको, तो हम कह रहे हैं भाई हमसे ये होगा नहीं, विल पावर ही नहीं है कि हम ये करें, बाहर की लाइफ का एक्सपोजर नहीं, एक्सपीरियंसेस नहीं दिए गए, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हमें प्रोवाइड किए गए, समझने की बात है यहाँ पर, एजुकेशन नहीं दी गई, ज्ञान नहीं दिया गया, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक दायित्व क्या होते हैं हमें उनसे अवगत ही नहीं कराया गया, विल पावर किधर से आएगी भाई। अब तुमको मैं ये कहूँ कि भाई IAS स्टडी सर्कल वालों की एक डिबेट होने वाली है गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में, अभी नहीं हो तैयारी में, अभी महीना भी नहीं हुआ, विल पावर होगी तुम में उस डिबेट में पार्टिसिपेट करने की, बिल्कुल भी नहीं, कारण क्योंकि इस क्षेत्र के की तैयारी के रूप में अब तक तुमको वैसा पढ़ाया ही नहीं गया, वैसा एक्सपोजर दिया ही नहीं गया, वैसा एक्सपीरियंस दिया ही नहीं गया, इसलिए जब हम यहाँ पर सेमिनार लेते हैं तो बहुत से बच्चों की क्योंकि विल पावर होती ही नहीं, इसलिए मैं सेमिनार तब लेता हूँ जब उस लेसन उस चैप्टर में मैं उसे पूरा तैयार करता हूँ, पहले मैं उसे लेवल प्लेइंग ग्राउंड पर लाता हूँ, फिर मैं उसे कहता हूँ सेमिनार ना दो, अभी भी वो नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो मेहनत में कमी रख रहा है, वो कॉन्फिडेंस अचीव करने में कमी रख रहा है, वो रिहर्सल्स नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, और बहुत ही कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में कहते हैं सेमिनार देने को, वो तुमको सिखाया जाता है कि अपनी विल पावर को डेवलप करो, लेकिन अब आपको ये कहना कि स्टडी सर्कल में जाकर के डिबेट करो जहाँ पर एक से एक कद्दावर IAS एस्पिरेंट है, नेचुरली आपकी विल पावर होगी, आपको भी नया आई कैन नॉट, मैं मुझे नहीं जाना,
और जबकि अगर पूरा आपको एक साल में ज़बरदस्त ट्रेंड करूँ और आपको पता लगे कि भाई सोसाइटी के सब्जेक्ट पे डिबेट होने वाली है, आपकी अल्टीमेट विल पावर होगी कि मुझे जाना है वहाँ पे। साल भर लगाया मैंने आपकी विल पावर डेवलप करने के लिए, समझ में आई? विल पावर वाइडर सेंस में ये मीनिंग है कि पहले सामने वाले को सशक्त करना पड़ता है, उसे वो अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, उसे मजबूत बनाना पड़ता है, वो ज्ञान देना पड़ता है, उसे कंटेंट से फिल करना पड़ता है, वो एक्सपोजर देना पड़ता है, वो एक्सपीरियंस देना पड़ता है, फिर सामने वाले, फिर उसकी विल होती है। अभी भी अगर आप नहीं कर रहे हो, फिर मैं ज़रूर कहूँगा लेथार्जिकनेस है, लेथार्जिकनेस है। ये नॉलेज यूज़ करनी नहीं आ रही, लैक ऑफ वर्क है, हार्डवर्क नहीं करते, पढ़ते लिखते नहीं। आजकल स्कूलों में एक नया रिवाज है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे बुला बुला के पेरेंट्स लताड़े और ठोके जाते हैं। हमारे पीटे अभी नहीं जाते, पता नहीं क्यों लगता है एक समय में ये भी होगा, अभी सिर्फ लताड़े जाते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं। फीस भी दी, सुबह सुबह 6 बजे उठ के बच्चा तैयार करके भी भेजा, सारे चौंचले भी पूरे किए, मंडे को टिफिन में ब्रोकली भी डाल दी, ट्यूसडे को अंडा भी डाल दिया आधा कटा, मंगलवार को भुनी हुई पनीर की भुर्जी भी डाल दी, सब डाला जैसा वैसा उन्होंने कहा। 3 तरह के हफ्ते भर में कपड़े भी बदलाए, बच्चे के कौन कौन सी ड्रेस कहाँ से ढूंढ के पहनाई पता नहीं, उसके बाद भी सैटरडे को खड़े हैं ऐसे। आज के डेट में रिवाज ये चल रहा है। चैप्टर मैडम कह रही हैं घर से देखा ना, क्वेश्चन सीधे क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, चैप्टर बाद में होते हैं, टेस्ट आजकल पहले होते हैं, यूनिट टेस्ट। और किसी से पूछो तो उनको पट्टी ऐसे पढ़ाई गई है कि टेस्टों के वाया प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, क्योंकि एंड रिजल्ट तो टेस्ट ही है ना, सॉलिड प्रिपरेशन। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी मंगल ग्रह पे ही कर रहे हैं अपन, चंद्रमा पे जाने की तैयारी चंद्रमा पे कर रहे हैं सीधा। तो किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, कहते हम चाहे चंद्रमा पे, कहते तैयारी क्या कर रहे हो चंद्रमा पे जाने की, कहते अच्छा इसका क्या मतलब, कहते जब जाना ही चंद्रमा पे तो चंद्रमा पे ही है, अब दिक्कत क्या है? मैंने तो ये सुना था कि पृथ्वी से चंद्रमा पे जाने की तैयारियां होती हैं, पृथ्वी पे चंद्रमा जैसा माहौल बना लिया जाता है। तो वो ही चैप्टर का के क्वेश्चन है, सीधी गेम यूनिट टेस्ट से हो रही है, पता करो मैडम ने चैप्टर पढ़ा दिया। तो स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, 3 दिन अभी हुए ना क्लास जाने को, 4 चैप्टरों के यूनिट टेस्ट हो जाते हैं। तो फिर पढ़ा दिया, कहते यूनिट टेस्ट कर दिया उन्होंने ऑर्गेनाइज, थोड़ा सा मैडम ने आके चैप्टर का डिस्कस किया था, उसमें क्या है चैप्टर नेम और इसमें ये ज़्यादा बताया कि ये भी कुछ नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ये देख लेना है, ओके। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये बिल्कुल भी अटेंटिवली नहीं बैठती क्लास में, ये बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है, इसका बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है, इसका कुछ नहीं, इसको कुछ करना ही नहीं है, इसके यूनिट टेस्ट में इसके बुरे हाल हैं। सारे चैप्टर इतनी मेहनत से इसको कराए क्लास में, सबको कराए, एक एक क्वेश्चन मैंने डिस्क करा दिया, फिर भी इसका उस क्वेश्चन में कुछ नहीं आया। घर वाले कहते जब बेवकूफ, जब तुमको क्वेश्चन ही करा दिए मैडम ने फिर भी तुम्हारे वो क्वेश्चन नहीं हुए। बच्चा वहाँ पे कह रहा है कि यार पढ़ाने वाला कंटेंट कोई करा नहीं रहा तो मेरा क्लास में इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, कंसेप्ट मेरी जेब में एक नहीं डाला, मैं क्वेश्चन कितने याद रख पाऊँ। तो फिर वहाँ पर गालियाँ कौन सुन रहा है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पेरेंट्स, आई बात समझ में? सो ये भी एक कंसेप्ट है। तो वो जब उनको हमने वो लेवल पर रेडी ही नहीं किया, तो अब हम कह रहे हैं इसमें विल पावर की बहुत कमी है। तो अक्सर कहते हैं, कहते ये हमारा बच्चा मैडम ऐसा क्यों है, हमने कोई कमी भी नहीं रखी, इसको हम माइलो डाल के देते हैं दूध में रोज, और इसके लिए पापा लाल पैकेट दूध का लाते हैं, हम सब हरे वाला पीते हैं, और इसको हमने अच्छे स्कूल में डाला, हमने अपनी अपनी ऐश परस्ती छोड़ के, हमने अपनी मौज मस्ती छोड़ के इसके लिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, मैं अपना जॉब छोड़ के बैठी हुई हूँ, इसके लिए सब कर रही हूँ सब। मैडम इसमें एक प्रॉब्लम, मैडम कह इसमें विल पावर ही नहीं है, ये कुछ करना ही नहीं चाहती, ये कुछ करना ही नहीं चाहता, क्लास में एकदम ये ठंडा ठंडा बैठी रहती है, कुछ देखती ही नहीं बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ देखती ही नहीं। बच्चा मन में समझा रहा है कि मम्मा वो कुछ पढ़ाते ही नहीं है। तो घर वाले बच्चे को गालियाँ दे रहे हैं, सबसे बेस्ट स्कूल में, सबसे कॉस्टली स्कूल में डाला है, सारे टॉपर वहाँ से निकल रहे हैं, उनका रिजल्ट 99.9% है, और तुम कह रहे हो वो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है, हमको बेवकूफ़ समझ रहे हो। तो रिवर्स है, मैडम से माँ बाप को गालियाँ पड़ी, माँ बाप से बच्चे को, और एट द एंड शाम तक सभी गालियाँ उलियाँ खा के बर्गर खा रहे हैं, कहते अब ज़्यादा टेंशन, कहते ले नहीं सकते भैया। बच्चा गाड़ी में कह रहा अच्छा चलो ठीक है अब मैकडी तो ले चलो, अब ओके ना, मैंने बोला ना अगले टेस्ट में मेरे बेस्ट आएंगे, मार लिया उसने हफ्ता लगा के, जोर लगा के रटा रुटा मार के कर दिया, कहते ओके रिपोर्ट ये ले लो भाई बेस्ट आ गया रिजल्ट। ऐसा नहीं है मैं कर नहीं सकती, मैं कर सब सकती हूँ, देख लो
आगे से कर लूंगी। विल पावर यहाँ पर है कि आपने उसे फुल वीक वो चैप्टर बहुत इंटरेस्ट के साथ, पूरे एग्जाम्पल्स के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाया, सुन भी लिया उसने, कर भी लिया है। लेथार्जिकनेस है कि आंसर लिखने को टेबल पे बैठने का नहीं, टिका नहीं जा रहा, कंसंट्रेशन नहीं, थकावट नहीं चाहिए उंगलियों को, और टेस्ट में सीधे बैठे आ रहा है, कंसेप्ट है, वर्ड नहीं आ रहे, स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल एरर, और टाइम बीत गया, लिखे अभी 2 पेज हैं, बाकी उन्हें 6-6 पेज बाद। यहाँ पे जो फेलियर है ये विल पावर की कमी से फेलियर है। विल पावर इन अ वाइडर सेंस, आपको सारे रिसोर्सेज उपलब्ध करा के एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड दी थी बाकियों के कंपैरिजन में, स्टिल यू आर नॉट वर्किंग, इट इज़ योर विल पावर लैक। बट वुमेन के केस में ये देखना होगा कि इज़ दिस जेन्युइनली विल पावर लैक कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आ रही, वो गवर्नमेंट पोजीशंस में नहीं आ रही, तो फिर टॉप कैसे बन रही हैं सिविल सर्विसेज में, फिर टॉप क्लास फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बन सकती हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कैसे हो सकती हैं। तो ये तो वुमेन ने प्रूव कर दिया कि उनकी मेंटल कैपेबिलिटी में कोई इशू नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी में कोई इशू नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादा समझदार पर्सनैलिटी भी हो सकती है। यूनाइटेड नेशन की अभी रिसेंट स्पीच को आप लोगों ने बड़ा चेरिश किया। मुद्दा ये है कि ग्राउंड, ओके, सो विल पावर इन इट्स वाइडर सेंस बी ए यूजफुल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, यस, विल पावर इन अ वाइडर सेंस इज द कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड दिस अंडर रिप्रेजेंटेशन, कि उनमें विल पावर ही नहीं है, उनकी बेसिक अपब्रिंगिंग, बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन, बेसिक एक्सपोजर टू द सोसाइटी, बेसिक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, सब चीज़ों में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैक है, जिसकी वजह से दे आर लैकिंग द विल पावर। आई बात समझ में? एक पुरुष प्रधान समाज का संबंध ऐसा बना दिया गया जिसमें कि दूसरा पॉइंट एंटर हो रहा है कि डज द एग्जिस्टिंग डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द फैमिली इज इम्पैक्टिंग दिस अंडर रिप्रेजेंटेशन, या इट इज वेरी मच इम्पैक्टिंग। वट इज द डिवीजन ऑफ लेबर इन द फैमिली? देर इज अ स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ लेबर इन द फैमिली कि जो मैन है वो ब्रेड विनर है और वुमेन है जो होम मेकर है। लुक, वन थिंग आई हैव टू क्लियर, और फॉर एवरी लेक्चर मैंने क्लियर किया है, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल विद दिस डिवीजन ऑफ लेबर, लिटरली आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम हैविंग ऑल द प्रॉब्लम विद द डिस्क्रिपेंसीज अटैच्ड टू दिस डिवीजन ऑफ लेबर, आई डोंट लाइक दैट ऑल, मैं उन डिस्क्रिपेंसीज के पूरी तरह से अगेंस्ट हूँ जो इस डिवीजन ऑफ लेबर के साथ जोड़ी गई हैं। कैसे? मेल इज वर्किंग आउटसाइड द हाउस, ही इज अर्निंग, ही इज द ब्रेड विनर, फीमेल इज डूइंग हाउस होल्ड वर्क, ही इज मेंटेनिंग द हाउस, मेल इज वर्किंग फॉर द हाउस, फीमेल इज मेंटेनिंग द हाउस, बोथ दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द हाउस इन इटसेल्फ, द एंड रिजल्ट विल बी द हाउस। समझ में आ रहे? आप ज्ञान मार्ग से जाएं, आप कर्म मार्ग से जाएं, आप भक्ति मार्ग से जाएं, आप प्रेम मार्ग से जाएं, जाना आपको ईश्वर के पास ही है। समस्या मुझे उससे है कि ज्ञान मार्ग पद्धति ज़्यादा मजबूत अच्छी है, प्रेम मार्ग घटिया, प्रेम मार्ग अच्छा है, कर्म मार्ग घटिया, कर्म मार्ग अच्छा है, भक्ति मार्ग घटिया, ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम। जैसे कि द कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ लेबर, concept is related to the indignity attached with the division of labor. Women household activities में है और हम उसके उस activity को indignify करते हैं क्योंकि हमने घर के स्तर पर यह कहा कि सभी आवश्यकताएं और वस्तुओं की पूर्ति पैसों से होगी, और पैसे कौन कमा के ला रहा है? देखो जरा, वो पति। तो पैसों का खर्चा किस दिशा में होगा, पैसों से क्या वस्तुएं आएंगी, ये सब निर्णय एकल निर्णय होंगे पति के, पति निर्णय, पति निर्णायक है तो पति इंस्ट्रूमेंटल है। यहाँ समस्या, इसको बदलो, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज में विचरने के लिए वस्तुएं क्या आएंगी, खर्चा किस दिशा में किया जाएगा, सेविंग कैसे की जाएगी, यदि यह निर्णय पति पत्नी का सम्मिलित निर्णय हो और पत्नी को पूर्णतः जगह दी जाए, सम्मान दिया जाए, उनके निर्णयों को, उनकी आवाज़ को पूरी जगह दी जाए, वो घर में बैठे बैठे एम्पावर्ड होगी और उसकी विल पावर का लेवल भी बहुत सुप्रीम होगा, क्योंकि एक अच्छा सजेशन देने के लिए आप वर्कआउट करते हो, और वह निर्णय मजबूत होगा क्योंकि आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप जो हाउस होल्ड वर्क कर रहे हो वो हाउस होल्ड वर्क आपकी पोजीशन को इन्फीरियर बना रहा है, क्योंकि
घर पूरी तरह से इम्पेक्टेड है आप दोनों के ही कंडक्टर से, जो चीज़ आई दोनों की रजामंदी से आई, दो उस पैसे पर दोनों का समान अधिकार हुआ। अगर उसने बाहर से पैसा कमा करके लाया तो उस पैसे के तहत जो परिवार चला, चलाने का काम पत्नी कर रही है। बच्चे पढ़ उस पति के द्वारा दी जा रही फीस से रहे हैं, लेकिन बच्चों में शिक्षा स्थापित पत्नी कर रही है, बच्चों का व्यक्तित्व पत्नी स्थापित कर रही। पति यूनिफॉर्म खरीद के देता है, पत्नी शख्सियत विकसित करती है, व्यक्तित्व निर्मित करती। पति घर बना रहा है, पत्नी परिवार बना रही है। घर परिवार के लिए ही होता है, उसके बिना नहीं, चूहों के लिए नहीं होता। आई बात समझ में? इसमें हमारे समाज को चेतन करने की आवश्यकता है, शिक्षित करने की आवश्यकता है। समस्या यहाँ थी, समस्या महिलाओं के रोल में नहीं थी, समस्याएं पुरुषों की बुद्धि ठिकाने लगाने में थी। ये है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। आई बात समझ में? ऐसे में ही ये समस्या उत्पन्न हुई कि जब इनको घर के ही काम करने हैं, जब इन्हें विवाह हो करके ही दूसरे घर में जाना है, तो हम यह ना समझ पाए कि इन्हें शिक्षा देने की फिर आवश्यकता ही क्यों, किसी के घर के बागान में लगे फूल को सिंचित करने की आवश्यकता को हमें किसी ने नहीं समझाया। कि हम यदि यह भी कंसेप्ट फॉलो कर लें कि यह फूल किसी के बागान को महकाएगा, इसे खाद पानी देने की आवश्यकता क्यों, तो बेअकले लोग ये नहीं समझ पाए कि फिर इसी कंसेप्ट पे चलते हुए तुम्हारा बाग भी कोई और फूल आकर के ही महकाएगा। तुम्हारा बाग महकता रहे इसके लिए तुम औरों के बाग महकाते रहो। दूसरे घर में जाके बसने वाली अपनी बेटी को अच्छे सशक्त करोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे, मजबूत करोगे, वो उस घर को प्रगति की ओर ले जाएगी। लाइकवाइज फिर ऐसी सोसाइटी बनेगी, तो तुम्हारे घर में भी एक शिक्षित विकसित व्यक्तित्व वाली, एक चरित्र वाली नारी, एक मजबूत इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प वाली नारी आएगी, तो तुम्हारे भी तो परिवार को बेवकूफ आगे लेके जाएगी। लेकिन पैट्रियार्की यहाँ इतनी हावी थी कि पढ़ी लिखी आएगी तो सवाल जवाब करेगी, चूं चपड़ करेगी, ज़्यादा चोंच चलाएगी, कोई बात कहूँगा तो आगे से काटेगी। क्योंकि यहाँ पर पुरुषार्थ को पुरुष प्रधानता से बदल दिया गया, जबकि हमारे कहीं किन्हीं ग्रंथों में ये उदाहरण है नहीं। समझ आई? हर बात में एक ही बात नज़र आती कि सीते ऐसा करना चाहिए, हर बात में ये बात नज़र आती है। मैं गृह त्याग रहा हूँ सीते, तुम इसकी भागी नहीं हो, तुम राजमहल में रहो, यह सुख भोगो, मैं तुम्हें विवाह करके लाया हूँ। वो मिन्नतें ले रही हैं, तरले कर रही कि नहीं, जहाँ आप वहाँ मैं। वो यहाँ इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए एम्पावर्ड है। इनफैक्ट वह राम कह रहे हैं रुको रुको, ऐसा नहीं कह रहे कि मैं बेटा जाऊँगा वनवास में, तुम राजमहल में हैं, पति वनवास में, तुम राजमहल में, पति का साथ देना तुम्हारा धर्म था, तुमको पता भी है मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसा कहाँ है एपिसोड, दिखाओ मुझे। उल्टा त्याग है, वह परिवार वह पिता के लिए त्याग कर रहे हैं, पत्नी पति के लिए त्याग कर रही है, तो बराबर सम्मान है। समझ में आई बात? पति राम अश्रु बहाते हैं पत्नी के लिए, क्योंकि उनके बिना आधे हैं, अधूरे हैं। तो अर्धनारेश्वर ऑलवेज दिखाया गया, इट इज अ कंपेनियन, हाफ इक्वल, दे आर टू इक्वल। महादेव को ले ले, सिखों के धर्म ग्रंथ को ले ले, विश्व के किसी ग्रंथ को डाले, मुझे दिखा दें ये कहाँ है। ऐसा नहीं होता है। सीता यदि अपनी, पार्वती यदि अपनी रसोई बना रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह एम्पावर्ड नहीं है, वह अन्नपूर्णा है और पति मोक्षदाता है। जीवन के लिए अन्न जरूरी है, जीवन के पुरुषार्थ के लिए मोक्ष जरूरी है, दोनों ही अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब बताओ कौन 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 अधीन है, कौन आगे है, तो मुझे तो समझ में नहीं आया कभी कौन किसका दमन कर रहा है। कभी ऐसी कोई दमनकारी चीज़ें तो नज़र नहीं आई मुझे। समझना जरूरी है। समझ आई? माता के निर्देश पर पुत्र खड़ा है, पिता की अवहेलना कर गया, पुत्र का शीश कटा, पति को नियमों की अवहेलना करते हुए उसे जीवित करना पड़ा, क्योंकि पत्नी का आदेश था कि जीवित कीजिए वरना नरसंहार हो जाएगा और रोक नहीं सकता कोई।
तो पत्नी इतनी सशक्त है, आदि शक्ति का रूप धारण करके समस्त सृष्टि का भोग कर लेंगी और आप रोक नहीं सकते, आपको उनकी डिमांड को अकॉर्ड करना होगा, मानो फिर ही कुछ होगा। तो द थिंग इज कि ये डिवीजन ऑफ द लेबर इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, द प्रॉब्लमेटिक इज द इंडिग्निटी और द डिस्क्रिपेंसीज अटैच्ड टू द डिवीजन ऑफ लेबर, दैट लोप साइडेड माइंड सेट ये, और इसकी वजह से ये हो रहा है कि घर के काम का मतलब ये है कि मशीन की तरह रोटियां बेलती रहो, थापी चला चला करके कपड़े धोती रहो, धोती रहो, धोती रहो, ऐसे में अगर कुछ करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बाहर जा रहा हूँ, कहाँ, तुमसे मतलब, मैं पूछ नहीं सकती कहाँ जा रहे हो, तुमसे क्या मतलब, तुम कौन होती पूछने वाली, ख़त्म, दबा दिया उसको, क्यों, घर के काम करती रहो और अपने काम अपने काम तक रहो, समझ आई तुमको, ज़्यादा ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में पड़ी रहो, चुप करके पड़ी रही। तो घर 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 शब्द बदनाम सा हो गया, जैसे कि घर में पड़े रहना, हमारी किस्मत क्या है, घर में पड़े रहना, पड़े रहना, पड़े रहना, हम तो घर में ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि उनको घर में पड़े कर दिया। जैसे उसने पूछा पैसे गिन रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं इसका, क्या ये पैसों का क्या करने जा रहे हैं, अपने बाप के घर से लाई हो पैसा, जो पूछ रही हो, बताते हैं तुमको, तो तुम्हारे मायके जाने का समय आ गया लग रहा, भेजे बुलाए तुम्हारे भाई को, मैंने तो बस पूछा था आपसे कि पैसों के घर, चुप, चोंच बंद रखो बेटा। लेकिन जब स्वयं आप जाते हैं और आप पूछते हैं कि मन मन में विचार आया है कि हम खेतों के लिए एक ट्रैक्टर ले लें, तुम क्या कहती हो, तो आपसे बता रही हैं कि देखो घर की छत भी अभी ख़राब हुई हुई है, बुनियादी आवश्यकता है कि हम घर में अच्छे से रह पाएं, घर की छत चो रही है, बरसातों का मौसम आने वाला है, बच्चों की पढ़ाई की भी अभी फीसें आएंगी नहीं, एडमिशन होने वाली है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, आप सारा आंकलन करके देख लो कि क्या ये दोनों चीज़ें और उधर से ट्रैक्टर एक साथ हो सकता है क्या, नहीं तो इस साल पढ़ाई के साथ साथ छत भी है, आप ये करा लो, आगे जब धान कट जाएगा, जब गेहूं के सीज़न में फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत। फिर वो कह रहा है यार बात तो सही है तुम्हारी, इस बार खर्चा ज़्यादा है, ठीक है फिर नहीं लेते। देखो उसका डिसीजन बदल गया, उसने नहीं लिया, ये है सिस्टम, इसमें कहाँ प्रॉब्लम। ऐसे में अब वो गर्व और सम्मान में है कि घर को मेरे नियम प्रभावित करते हैं, मेरे डिसीजन प्रभावित कर रहे हैं, तो वो सशक्त है। वो कहती है कि जी देखिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, मैं सब कुछ, और हमारे गांव में टीचर के लिए नौकरी भी निकली है, मेरे सरपंच जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि भाई आप पढ़ी लिखी हैं, आप क्यों नहीं पाँचवीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा देती, तो मैं आपके सामने प्रस्ताव रखती हूँ, आप बताइए कैसा। तो पूछ रहा कि देखो यार कि तुम पढ़ाने जाओगी, मैं तो खेतों में रहूँगा, तो बच्चों का कैसे होगा, बच्चों को कैसे मैनेज करोगी। तो आप उन्हें बता रहे हो कि मुझे पता है कि मेरा दायित्व है, मैं जानती हूँ आप भी दिन रात खेतों में रहते हैं, ये आपका दायित्व है, मैंने ये सारी प्लानिंग की है कि सुबह सुबह मैं इस तरह से उठ करके बच्चों को तैयार करके भेज के अपना सेटल करके, बच्चे भी उतने समय स्कूल में रहेंगे, फिर मैं भी उतने समय स्कूल में रहूँगी, आते हुए मैं उन्हें कलेक्ट करके ले आया करूँगी और हम आगे चलेंगे, और आगे आगे अगर समय सही रहा तो हम इस काम के लिए सहायता के लिए किसी को सहायक रख लेंगे अपने घर में, मेड रख लेंगे, काम मैनेज हो जाएगा, इसके साथ घर भी और मैं अपना काम भी कर पाऊँगी। फिर आप कह रहे हैं हाँ दिस इज़ बेस्ट, ये तुम करो यार, कोई बात नहीं, तुमको ये करना चाहिए, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रा ट्रैक्टर धो लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे वो खाना पीना पका रही है तो ये भी तो ट्रैक्टर धो रहा है, बैल और गाय धोता है, काम तो काम ही है ना, सारे करने ही है भाई, ट्रैक्टर वो चलाना है तो ट्रॉली ट्रैक्टर सारा मेंटेन नहीं करना है। फिर ये ऐसा कर लो फिर कि अच्छा तुम ऐसा करो सुमित्रा, जब ट्रैक्टर ट्राली धो दो, मैं ज़रा रोटियाँ पका देता हूँ, वन एंड दस, फिर तो वो कहानी वहीं आ जाएगी, सिंपल वर्क एक्सचेंज। लेकिन जब हम वर्क के साथ किसी भी तरह के प्रेजुडिसेस ना जोड़ें, फिर कोई इशू नहीं है किसी वर्क में, लेकिन हम जब हमने वर्क के साथ प्रेजुडिसेस जोड़ दिए हैं। अच्छा सुनिए, सरपंच जी मिले से मैं मुझे कह रहे थे कि तुम स्कूल में पढ़ा दो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, मैं सोच रही मैं पढ़ा दूँ। अच्छा, रोटियाँ बनाती बनाती बातें बनाने लगी, सरपंच से मिल के आई है, देख रहा था तुझे वो,
पल्लू उठाया तूने? आंखों में झांका उसकी? बेटा तेरे चरित्र का मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था। जब गुड्डू से बातें कर रही थी ना उस दिन, तू उसी दिन से मुझे तेरा पता चल गया था। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना कहा कि पढ़ाना है, सरपंच जी मिले मेरे पिताजी की उम्र। पिता की उम्र के तेरे? एक से एक औरतें छोड़ के तू ही मिली उन्हें पढ़ाने के लिए। तो बताता हूँ मैं तेरे को, चूल्हा चौंका कर चुप करके, हाँ घसीटते हुए तो या छोड़ाऊँगा तेरे घर, समझ आई? चूल्हा चौंका करने के लिए बनी है। ये प्रेजुडिस है, दिस इज प्रेजुडिस। अब पल्लू नहीं उठाएगी, किसी बेगाने मर्द को नहीं देखेगी, चूल्हा ही चौंका करने के लिए बनी है, देन वो कहेगी कि मैं चूल्हा चौंका ही क्यों फूकूँ भाई? तू मंडी जाता है, सामान बेचता है, अड्डे पे जाता है, खाता पीता, तू सबसे मिलता है, मैं नहीं कुछ करूँगी। लड़ाइयाँ होती हैं घरों में, सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है केवल, इतनी सी बात है। और लेकिन ये रीज़न है कि जिस फॉर्म में ये डिवीजन ऑफ लेबर है, उस फॉर्म में इस डिवीजन ऑफ लेबर ने ही वुमेन की अंडर रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट किया हुआ है, क्योंकि इसी वजह से ना तो उन्हें बेसिक एजुकेशन मिल पा रही है, इसी वजह में घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, किसी से इंटरेक्शंस नहीं हो पा रही, और इसी वजह से डिसीजन मेकिंग के एलिमेंट ही नहीं है उनके अंदर, उन्हें सीमित कर दिया जाता है। और फिर अब फंडामेंटल राइट दे भी दो, और फिर अब राइट टू इलेक्ट दे दी भी दे, और अब फिर आईएएस की पोजीशन दे भी दो, बात बढ़नी नहीं आगे, वो वहीं रह जानी है। क्योंकि हमें विल पावर को वाइडर सेंस में देखना है, और अगर उनकी विल पावर हमें जगानी है कि वो इस कोटे को, वो इस जॉब को प्रैक्टिकली रियलाइज़ कर लें, कैपिटलाइज कर लें, उसके लिए हमें बुनियाद बदलनी होगी समाज की, सामाजिक चिंतन कराना पड़ेगा, उसके लिए शिक्षकों के एनसीईआरटी किताबों को हद की घटियापंथी से पढ़ाना बंद करना होगा, अपने ईमान, अपने ज़मीर को बेचना बंद करना होगा, हर किताब को, हर क्वेश्चन को साला एमसीक्यू बना बना के बेचना बंद करना होगा। ज्ञान रूपी रस का प्रवाह होना जरूरी है, तब लोग चेतना भरेंगे और ये समझेंगे कि हाँ बात तो कुछ भी नहीं थी, बात तो इतनी थी कि डिवीजन ऑफ लेबर तो बैड थी ही नहीं, वो जब भी कभी शुरू होगी हुई होगी किसी रीजनिंग की वजह से ही हुई होगी। बात तो यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वर्क इनडिग्निफाई हो गया, एक डिग्निफाई हो गया, एक वर्क की मॉनेटरी वैल्यू हो गई, एक की कोई वैल्यू ही नहीं, एक वर्क के साथ इतने प्रेजुडिसेस जोड़ दिए कि वो तो घटिया ही पंती हो गई। तो फिर आदमी उन वर्क नाम के बंधनों से, उस घर से बाहर आना चाहता, वो कहता मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर बाहर बाहर, क्योंकि बाहर आज़ादी है, बाहर खुशियाँ हैं, बाहर विकास है, घर में बंधन है, घर में दमन है, घर में कुचला जाता है, इसलिए घर बर्बाद और बाहर अच्छी संभावनाएं नजर आती, ये है कारण असल। डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट द प्रॉब्लमेटिक थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि खाना, भोजन सबको खाना ही है, और अगर कोई खाना पका रहा है, चूल्हा चौंका कर रहा है, तो कोई बैल गाड़ी घोड़े भी साफ कर रहा है, नहला रहा है, गोबर उठा रहा है, यार इसमें कोई समस्या नहीं है, ये चलता ही रहता है, काम तो काम ही है। ओके, दैट्स द कंसेप्ट। और फिर इसलिए मांग उठ रही है कि भाई 33% रिजर्वेशन दे दीजिए पार्लियामेंट में, वो दे दीजिए ताकि वो पुल इफेक्ट का काम करे, खींचे इन्हें घरों से, खींच खींच करके इनको मोटिवेट करे कि भाई इसी बहाने लोग पढ़ाएं इन्हें कि अब तो 33% महिलाओं के लिए रिप्रेजेंटेशन है यार, इनको आगे लाओ 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 आगे लाओ। फिर आगे लेकर के आएंगे उसी सीरियल की तरह आएंगी तो एकदम नाजुक सी, तो फिर लोग मानते हैं कि आने के बाद एक बार फिर पूरा हो जाएंगे, ऐसे जब तुमको बताते हैं अब तो बन गए हम, तो कह रहे हैं इनको लाओ 33% के बहाने ही सही, लेकिन लाओ, लेकिन अभी तक रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं जा रहा। उसमें यह कहा जा रहा है यार समझो, ध्यान से समझो, उनमें खुद में अभी विल पावर नहीं है वाइडर सेंस में, क्योंकि वो उतनी शिक्षित, वो उतनी विकसित, वो उतनी शक्तिशाली नहीं हो पाई हैं, वो उतनी सशक्त नहीं हो पाई हैं, वो अपने आप को भी अधीन ही मान रही हैं अपनी मानसिकता के, उन्हें उससे उभरना होगा। क्योंकि ये संसद, यहाँ पर देश के लिए कानून बनते हैं, लोकतंत्र का आधार है ये, यहाँ पर फिर जो स्वयं ही अपनी मानसिकता से मुक्त नहीं है, वो इस बंधी हुई सोच के साथ अगर वहाँ बैठ कर कानून बनाएंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो पुरुष प्रधान समाज इनकी मानसिकता को कैपिटलाइज कर लेगा, इनका शोषण करेगा और इनकी शक्तियों का स्वयं के उपभोग करेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी होगी, रिप्रेजेंट ये होंगी, सवाल इनसे पूछे जाएंगे संसद में, और पावर इनके हस्बैंड एंजॉय करेंगे, इनके जीजा फूफा, इनका देवर, इनका ताऊ, वो एंजॉय करेगा। और भाई अभी अपनी बहू बेटा लग गई, अब किधर सांसद है बेटा, यो ना कहियो चार देंगे ट्रैक्टर तुझ पे, तो सामने लगा रहा ये तो बहू सांसद है तो ट्रैक्टर चाड़ देंगे,
ऐसा तो वैसे पिता के मामले में भी कह सकते हैं कि पिता लगे हुए हैं भैया, चाड़ देंगे, लेकिन पिता को पता लगे थप्पड़ भी दो दे सकता है। इधर आप क्या कर रहा था बेतिया बाजार में, क्या बोल के आया तू? बोल के आए पापा की गाड़ी चढ़ा देंगे तुम पे, पापा सांसद वाले, सांसद लगे हैं हटाएगा क्या? लेकिन अब जो औरत है वो तो रात को धीरे से अपने पति को, देवर जी सारे बाजार में कहते फिर रहे हैं कि भाभी लगी हुई है सांसद, तुमको पेल देंगे, तुमको मार देंगे, देवर जी को समझाओ। देवर जी आ रहे हैं सामने, ओ भाभी कैसी हो? भाभी कह रही हो बेटा, देवर जी बहुत अच्छे हैं, आप खुश रहा करो। आप क्या कह रहे थे सबको कि भाभी लगी हुई है तो सबको मार देंगे, क्या कर देंगे? ओ भाभी तुम टेंशन ना लिया करो, 10 जीप फालतू लगाएंगे तुम्हारे पीछे, तुमको ही जितवाएंगे, चलो मैया से बात कर लेंगे वरना। भाभी कह रही यार ये तो बंदे बड़े आतंकवादी हैं, घर के लोगों पे ही नहीं चल रही तो मैं लोगों में क्या चलाऊंगी, ये यहाँ पे समस्या है। वो कह रहे हैं कि पहले से सशक्त कर लो, पहले इसकी विल पावर खुद की होगी। हाँ नाउ आई एम एम्पावर्ड, आई डेफिनेटली वॉन्ट टू कंटेस्ट एज माई चॉइस, नॉट एज कंपल्शन फ्रॉम माई फैमिली, आई वॉन्ट टू कंटेस्ट फॉर द नेशन, मैं नेशन को आगे ले आना चाहती हूँ। देन जब वो एंट्री करेगी पार्लियामेंट में, इट विल बी गुड थिंग। ये कंसेप्ट है। इतने क्वेश्चनों के माध्यम से इतना बहुत है कि आप ये 2 क्वेश्चन अब कर पाए क्योंकि लेक्चर में पढ़ाए गए हैं, और ये अब आप कर लेना। लेक्चर हमारे एंड पे खत्म, अब हम 4th chapter शुरू करेंगे। तब तक के लिए जैपनीज कल्चर में ऐसे ही होता है, ओके?